So I'm going to start today with the introductory lecture about taxation. थोड़ा अपने बारे में बात करूंगा, थोड़े आपके बारे में बात करूंगा, थोड़ा आगे सीए प्रोफेशन के बारे में भी बात करूंगा। तो आज हम अपन लोग यही चर्चा करने वाले हैं। एक नंबर नोट करवा रहा हूं मैं स्क्रीन पर, वो नंबर है 0.03। इस नंबर की इंटरप्रिटेशन आपको मुझे बतानी है 0.03। आई वॉन्ट गेसेस फ्रॉम यू, वट इज दिस 0.03? कम अगेन, परसेंटेज ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंडिया। अमेजिंग, लेट्स हैव अ क्लैप फॉर हिम। वेरी गुड, अमेजिंग। आई थॉट कि किसी भी बच्चे में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो पता लगा लिए पॉइंट क्या है, बट दैट्स हैट्स ऑफ टू यू। व्हाट्स योर नेम बच्चे? श्रेय। गाइस, दिस इज द परसेंटेज ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंडिया, 0.03%। ये कैसे सचिन सर ने डिसाइड किया? गाइज, देर आर टोटल ऑफ 4 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंडिया इन अ पॉपुलेशन ऑफ, माई गॉड, इंडिया हैज बिकम द मोस्ट पॉपुलस नेशन। सो एटलीस्ट वी हैव अचीव समथिंग, इन समथिंग वी आर नंबर वन। 130 crores, प्लीज हेल्प मी विद द जीरोज बिकॉज इट्स लॉट ऑफ जीरोज, सो जस्ट हेल्प मी आउट। आई थिंक कुलदीप सर की हेल्प लेनी पड़ेगी इसकी मैथमेटिक्स के लिए। तो आई एम अ टैक्सेशन फैकल्टी, स्टिल इन 200 करेंगे तो ये आपका 0.03% आएगा। अगर हम इसको और कोरिलेट करें, थोड़ा और इसको सरल करें, तो बाबा मेरे प्यारे बच्चों, 1 लाख की पॉपुलेशन में ओनली 30 स्टूडेंट्स और 30 पीपल आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। सो गाइज, दिस इज द मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर कोर्स इन इंडिया राइट नाउ इन द फील्ड ऑफ अकाउंटेंसी, इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस। तो ये पहले तो अपने अंदर इस बात के लिए थोड़ा सा प्राइड फील करें अपने बारे में, यू नो, यू शुड फील गुड अबाउट इट कि आप सीए बनने के बाद एक एक्सक्लूसिव ग्रुप के अंदर आ जाएंगे, और उसके बाद तो स्काई इज द लिमिट। जितने भी सीएज हैं, आई हैव नेवर सीन अ सीए जिसके पास पैसा ना हो। आई हैव नेवर सीन अ सीए, एक लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कह लीजिए, कुछ डिवाइन ब्लेसिंग्स कह लीजिए। राकेश झुनझुनवाला, हु वॉज अ सीए, दो ही डाइड एट 62-63 एक्स बिकॉज ही हैड सम डायबिटिक इश्यूज और समथिंग, बट ही इज अ मैन ऑफ 30,000 crores। सो जब उससे पूछा गया कि आपकी सोलली सक्सेस का कारण क्या है, कह जी वो 4 साल की जो मेरी पढ़ाई है उसने मुझे सिखाया फिनेंस क्या होता है, उसने मुझे सिखाया कि कहाँ से तेल निकलता है, कहाँ से पैसे बनाए जाते हैं। तो ये कोर्स आपकी लाइफ बदलने वाला है, देर इज नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन गाइस, सक्सेस स्टोरीज तो आपके सामने है, लेकिन सक्सेस स्टोरीज के पीछे लाखों लोगों की विफलताएं भी होती हैं। तो जो अच्छा अच्छा है वो तो दिखाई दे जाता है, जैसे अगर 150 एक्टर आपको दिखाई दे जाते हैं, लेकिन कितने लोग मुंबई गए और स्ट्रगल किया और वो बेकार हो गए, उनकी स्टोरीज बाहर नहीं आती। इसी तरीके से इस कोर्स को सफलतापूर्वक करने के लिए लॉट ऑफ हार्डवर्क, लॉट ऑफ डेडिकेशन, लॉट ऑफ डिसिप्लिन, शिद्दत इज रिक्वायर्ड। Unfortunately, 90% of the students don't follow it. तो देखने में तो कहते हैं जी सीए है, बहुत अच्छा पैसा सब कुछ है, लेकिन इट्स लाइक अ वॉर। मुझे लगता है सीए प्रोफेशन इट्स लाइक अ वॉर, और जैसे जंग में अच्छी प्रिपरेशन हो तो आप उस जंग को जीत सकते हैं, उसी तरीके से सीए प्रोफेशन लाइक अ वॉर। अभी तक आप लोगों ने जो भी एग्जाम्स दिए फाउंडेशन के, बहुत काबिल तारीफ है, बट मैं उसको एग्जाम्स नहीं मानता। इंकी पिंकी पोंकी टाइप के एग्जाम्स होते हैं, और मैं आधा 12th का बेस होता है, 2-3 महीने पढ़ के आपने काम कर लिया। जो रियल लोहा लोगे आप, वो है आपका सीए इंटरमीडिएट कोर्स। चलो मैं ये आपको बोलूंगा, इंटरमीडिएट कोर्स रट अटा के थोड़ा बहुत इधर उधर करके टेप के हो जाएगा, लेकिन गाइज सीए फाइनल इज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम ऑफ योर लाइफ। इट इज नेक्स्ट टू यूपीएससी। जैसे यूपीएससी के अंदर लोहे के चने चबाने पड़ते हैं, सीए फाइनल वो ही है। तो मेरी इंटेंशन आप लोगों की ये है कि बिफोर यू रीच सीए फाइनल, सीए इंटरमीडिएट में ही आप क्यों ना अपना स्टैंडर्ड बढ़ा लें, क्योंकि मैं नहीं चाहता एक भी बच्चा सेकेंड अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट में पास हो। माई इंटेंशन इज, और अवर इंटेंशन एट जतिन त्यागी क्लासेज इज दैट यू शुड क्लियर सीए इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट।
लेकिन यू नो बोलना बहुत इजी होता है, सरल होता है, लेकिन करना उतना ही कठिन होता है। बोलना बहुत इजी है, करना उतना ही कठिन है, लेकिन प्लान्ड वे में अगर हम चलेंगे तो यस इट इज पॉसिबल। माई फैमिली हैज 7 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट माई सेल्फ। आई बिकेम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट 2003, सो इट्स बीन मोर देन यू नो 20 ईयर्स आई बिकेम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। माई यंगर ब्रदर इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज अ पार्टनर इन अ बिग फोर कंपनी KPMG। My sister-in-law, brother's wife, is also a chartered accountant. She's also working in Macquarie Bank, Australia. Unki India mein operations hai. My Tauji is a, you know, again a chartered accountant. His both cousins are also chartered accountant. Aur uske baad my mama ji's son is also a chartered accountant. अब इनको देख देख के हमारे फैमिली में ही you know, एक प्रथा चलती आ रही है कि अब वो देखते हुए बनते जा रहे हैं। लेकिन गाइज कॉमन बात हम सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में ये था, एक जोश था, एक जज्बा था, एक जुनून था। सच बताऊं मुझे ये नहीं पता था जब मैं सीए कर रहा था कि सीए करता क्या है। फ्रैंकली आप लोगों को भी 80% ऑफ यू माइट नॉट नो एग्जैक्ट काम क्या है। बोल दो कि टैक्स का काम करता है, ऑडिट का काम करता है, बाकी आप उसके आगे मुझे लग रहा है ब्लैंक हो जाओगे। ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, कर लेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपके अंदर वो जोश है। हमारे अंदर इस एज में भी आई एम मोस्ट प्रोबेबली डबल योर एज, मोस्ट प्रोबेबली दो आई एम वेरी यंग, बट स्टिल द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज अभी भी वो जोश जज्बा जुनून है, अभी भी हम पत्थरों से तेल निकाल सकते हैं। यस अगर हम निकलेगा नहीं बात अलग है, लेकिन इंटेंशन तो हमारी बड़ी बढ़िया है। उसी तरीके से मैं चाह रहा हूँ आप लोगों से कि अब जब आप सी इंटरमीडिएट में आने वाले हैं, अभी से ही अपने ना वो क्या कहते हैं टाइटन अप योर बेल्ट्स और यू नो टाइटन अप योर शूज, वो थोड़ा सा इंटेंशन ले आइएगा। अगर आपने फोकस रख लिया, डिसिप्लिन रख लिया और एक कर्फ्यू लगा लिया अपनी जिंदगी में, मार्क माई वर्ड्स यू विल बिकम अ सीए, डेफिनेटली यू विल बिकम अ सीए। सीए कोर्स इज नॉट टफ, मार्क माई वर्ड्स, ये जितनी भी बातें मैं आज आपको बता रहा हूं ये बातें एंड तक लिख लीजिएगा, सीए कोर्स इज नॉट टफ, पासिंग इट इज टफ। दोबारा बोल रहा हूं, समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सीए कोर्स इज नॉट टफ, passing it is tough. Can you tell me why? The course itself is not tough. You'll study from us. आपको कोई problem ही नहीं आने वाली. But the point is passing is tough. Can anybody give me the reason why Sachin sir is saying like this? CA course is not tough. Passing it is tough. Why do you think I'm saying like this? What's my reason behind it? बोलो बोलो सोचो, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? सीए कोर्स टफ नहीं है बच्चे, फाइनल की पढ़ाई भी करोगे मुश्किल नहीं लगेंगी। हम तो अपने आप पढ़ते थे बच्चों, हमें तो उस टाइम कोचिंग भी नहीं होती थी, देवर नो टीचर्स दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। दो चार होते थे, 2-5-10 क्लास ले ली होगी, हम तो अपने आप पढ़ लेते थे। और उस वक्त तो रिजल्ट मुन्ना 2% आता था, व्हेन आई क्लियर्ड द रिजल्ट वाज 2%। हम तो उस जमाने के पास हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट जब रिजल्ट 2% आता था विदाउट एनी कोचिंग। अब तो रिजल्ट 10% 12% 15% तक आता है, फाउंडेशन का तो 25-30% आता है, इंटरमीडिएट का 10-15 के आसपास, 18 के आसपास, फाइनल का 10% आता है। तो सीए कोर्स इज नॉट टफ, बिल्कुल नहीं है टफ, पासिंग इट इज टफ। व्हाई बताओ, सोचो, गिव मी अ रीजन, कोर्स इज नॉट, कोई आंसर नहीं है। मैं बताऊं, सिस्टम इज लाइक दिस, पास ही करेंगे 15% बच्चे। जब पास ही करेंगे 15, पेपर तो बेटा 80% बच्चों के अच्छे होंगे, 60% बच्चों के होंगे, पास ही 15 को करेंगे, तो क्या लगता है कि अब 15 ही डिजर्विंग स्टूडेंट्स होते हैं? क्या 15 के अलावा और डिजर्विंग स्टूडेंट्स नहीं होते क्या? हाँ चलो 20% नलायक मान लो, निकम्मे मान लो, नकारा मान लो, नहीं पढ़ के आए, नहीं पढ़ते, नहीं फोकस है, क्योंकि क्या लगता है कि वो 15 ही पास होने वाले थे? सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है। वो टाइटैनिक मूवी देखी थी ना, उसमें टाइटैनिक में वो लियोनार्डो कैप्री और केट विंसलेट, माई हार्ट विल गो ऑन, तो उसके अंदर जब सिंक कर रही थी टाइटैनिक तो खाली लेडीज को और बच्चों को निकाला गया था, जेंट्स को छोड़ दिया गया था। सिस्टम ही ऐसा है। तो जेंट्स क्या खराब होते हैं, क्या वो गंदे होते हैं? सिस्टम ऐसा है। तो आपको इतनी मेहनत करनी है, इतनी प्रिपरेशन करनी है कि आपको 15% में आना है। अगर आपने ढील छोड़ी तो आपका जो फ्रेंड है ना वो 15 में आ जाएगा, वो तो निकल जाएगा, आप उसका मुंह देख रहे होंगे। पढ़ना तो सेकेंड अटेम्प्ट में भी होगा, पढ़ना तो थर्ड अटेम्प्ट में भी होगा, तो
तो वाई नॉट स्टडी इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, माई इंटेंशन इज दिस, पढ़ाई तो मैं करवा दूंगा मुझे क्या है? लेकिन डिसिप्लिन आपको लाना पड़ेगा, टेस्ट वी विल बी टेकिंग कंटिन्यूस टेस्ट्स, लेकिन आपको उसको देने पड़ेंगे, मन नहीं करेगा क्लास में आने का, सर्दियां चल रही है, सुबह 8 बजे क्लास हो जाती है, धुंध होती है, लेकिन 80% बच्चे आते हैं, 20% बोलते हैं चलो यार घर में बैठ के देख लेंगे, फिर घर में बैठ के भी नहीं देखते। तो इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ये समझना पड़ेगा, यू आर प्लेइंग विद फायर। अगर आप ये पॉइंट समझ लेते हो फिर ये काम आपके लिए आसान हो जाएगा। हमें क्या फर्क पड़ेगा, हमारे तो बैच आएंगे बैच जाएंगे, बच्चे आएंगे बच्चे जाएंगे, लेकिन हमें फील होगा कि हाँ आपने हमारी बातों को नहीं माना। तो यू आर प्लेइंग विद फायर, आई एम टेलिंग यू, मार्क माई वर्ड्स, ये फायर आपको जला भी सकती है और आपको उठा भी सकती है, लेकिन उसके लिए आपको आज से ही अपनी यू नो जितनी भी इंजॉयमेंट्स हैं, मोबाइल्स हैं, इनको सब शट करना पड़ेगा। मैं फ्रेंकली बता रहा हूं, अगर यू वॉन्ट टू क्लियर द सी ए इन दी फर्स्ट अटेम्प्ट, ऑन एन एवरेज राइट नाउ इफ आई आस्क यू हाउ मच मोबाइल डू यू यूज इन अ डे, आवर्स, जेन्युइनली तुम्हें सी ए की कसम जेन्युइन आंसर्स देना, स्टार्टिंग विद दैट गर्ल, हाउ मच आवर्स डू यू यूज अ मोबाइल फोन इन अ डे, जेन्युइनली विदाउट कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहा मैं, मम्मी से बात करनी पापा से बात करनी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, जी She's saying 3 to 4 hours. The boy in the last, yeah, मेरे बच्चे जी, God, I'm getting चक्कर. Genuinely you're saying 10 hours? बाबा फिर भी, हां जी, नहीं, are you joking ना? You are joking na, or just saying like this? Are you serious? अब ये आप देखिए, चलो चलो पढ़ाएंगे भी, अभी पढ़ेंगे 5-10 मिनट, मुझे बातें करनी है आप लोगों से। गाइज 14 घंटे 17 घंटे की बात कर रहे हैं, आपको लग रहा आदत चली जाएगी जब आप पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे? हैबिट्स डोंट चेंज, मार्क माई, बेटा बातें नहीं, बेटा सुनो ना, इंपॉर्टेंट बातें हो रही है, समझोगे तो आपको ही फायदा है, मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला। फ्रेंकली मुझे 15 साल होते हुए पढ़ाते हुए हो गए, 50,000 बच्चे पढ़ा चुका हूं, ऑल इंडिया रैंक्स आ चुकी हैं, उनकी मैं चर्चा नहीं करूंगा यहां पर। इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट यू, समझो ना, इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट यू, आप क्या कर रहे हो। तो इसलिए आज के बाद थोड़ा थोड़ा सा डिसिप्लिन लेके आइए, बीच बीच में हम आगे जैसे जैसे चर्चा चलाएंगे मैं आपको गाइडेंस देता रहूंगा, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सीरियस। बस तो अगर आप सीरियस हो जाओ, मोबाइल देखना बुरा नहीं है, क्वांटिटी ऑफ द वॉल्यूम उसको कम करो, खेलना बुरा नहीं है, बाहर घूमना बुरा नहीं है, चीजों को कम करना स्टार्ट करो और पढ़ाई की चीजों को बढ़ाना स्टार्ट करो। प्रॉब्लम यह है, मैं फिर बोलूंगा, अभी तक आदत नहीं है अच्छी तरीके से पढ़ने की। 12th का एग्जाम था, बीकॉम का एग्जाम था, सीए फाउंडेशन का एग्जाम था, ये पोपले पोपले से एग्जाम्स होते हैं। पोपला पोपला मीन्स ऊपर ऊपर का होता है। फ्रेंकली जो रियल एग्जाम है ना जिंदगी में, वो सीए इंटर है आपका। प्रॉब्लम ये आएगी, सुन लो मेरी बात, जब आप पहले बार इंटर का एग्जाम दोगे, जब आप रह जाओगे, उसके बाद आपको समझ आएगा, अरे यार अब समझ आया, ये टेढ़ी खीर थी, सर बोलते रह गए, हमें लगता है 12th में भी लोग हमें बुराइयां करते थे, 12th नहीं होगी तो उससे हम तो क्लियर कर गए सर, किसी ने कहा था फाउंडेशन क्लियर नहीं होगी, हमने फाउंडेशन भी क्लियर कर लिया, लोग तो ऐसे ही कहते हैं। बेटा वो चांस की बात हो गया, ये चांस से नहीं होता। तो गॉड विल हेल्प ओनली दोज पीपल हु हेल्प देमसेल्व्स, इस बात को ध्यान दीजिएगा। मैं अपनी कहानी को आगे बढ़ाऊंगा आज की, तो ये बताना बहुत आवश्यक है मेरे लिए, क्योंकि मैं यू नो टीचर बाय पैशन टीचर हूँ, आई डोंट टेक टीचिंग एज अ प्रोफेशन, मैं मजे के लिए पढ़ाता हूँ, और आपके आगे 4-5 महीने भी यू नो बातों बातों में ही हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। तो वही मेरी इंटेंशन है कि आप लोग सीरियस हो जाओ, मैं तो ऑलरेडी वेरी सीरियस हूँ, और देखिए फिर चौके छक्के आराम से लगेंगे, लेकिन मेरे चौके छक्के लगाने से कोई फायदा नहीं होने वाला जब तक आपकी लाइफ में वो सीरियसनेस नहीं आती। तो थोड़ा सा वॉलंटरली बेसिस पे चीजों को कम करो और पढ़ाई पे तरफ फोकस करो। 2-3 साल है यार, और ये मैं बता दूं 18 से 22 साल 4 साल जिंदगी के प्राइम होते हैं। अभी लाख 18-19 के आप सब लोग, और 18 से 22 साल जिंदगी के प्राइम होते हैं, जहां पर कुछ कर लिया तो आगे के 40 साल 50 साल मरे मजे के हो जाते हैं, और ये 4 साल मौज मस्ती कर ली,
अरे रुक जा, यहाँ पर तुम्हारी शीला बबली, तुम्हारे राम, जो भी फ्रेंड्स हैं सबको छोड़ दो, 4 साल छोड़ना है ना, उसके बाद आपके 40 साल अच्छे। तो आप कौन सा पसंद करोगे, 4 साल का आराम, 40 साल की जिल्लत, या 4 साल की मेहनत और 40 साल का आराम, क्या लेना पसंद करोगे? बस तो बस आपसे यही हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज फॉर गॉड सेक स्टार्ट वर्किंग हार्ड। सो गाइज, आज थोड़ा सा मैं आपको ना इनकम टैक्स के बारे में थोड़ा ज्ञान देने वाला हूं। आज मैं 50% आपको इतनी चीजें समझा दूंगा कि आपको अभी तक जितना आपने पढ़ा नहीं होगा इनकम टैक्स के बारे में, आपको लगेगा सर ने 1.5 घंटे में ही हमें आधा इनकम टैक्स पढ़ा दिया। तो इनकम, यस, तो इसका मतलब नहीं कोर्स खत्म हो गया, सॉरी, नो नो नो, आई एम गोइंग टू गिव यू ऑल द ब्रीफ आउटलाइंस अबाउट इनकम टैक्स, ठीक है? तो आई वुड हैव प्रेफर्ड 2 or 3 डेमो लेक्चर्स, बट टाइम इज लेस, तो मैं चाहूंगा कि एक ही लेक्चर में सब कुछ अपनी नॉलेज स्क्वीज करके आपको दे दूं। बुक्स के बारे में और बीच में चर्चा चलेगी, आई विल टेल यू अबाउट माय बुक्स, अबाउट माय स्टाइल। एक बार आप मेरे स्टाइल, क्योंकि आप पहली बार आए हैं मुझसे मिल रहे हैं, तो आपके दिमाग में भी बहुत टाइप के क्वेश्चंस होंगे, बहुत टाइप की यू नो वो होंगी, अरे यार सचिन सर नाम तो सुना हुआ है, देखा हुआ तो नहीं है, शायद देखा हुआ भी हो, तो वो सारी चिंताओं को मुझे आज दूर करना है, ठीक है? चलिए, सो गाइज, मैं पहले इनकम टैक्स की आज चर्चा करूंगा आप लोगों के लिए, और मैं आज आपको आधा टैक्स प्रोफेशनल बनाने की यू नो एक प्रण लेता हूँ। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, आप आंसर भी दीजिएगा, मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट रजिस्टर लेके आए हैं। अच्छा, मैं क्लास में नोट्स लिखवाता हूँ पूरे इनकम टैक्स के और GST के, आई विल गिविंग यू नोट्स, आई एम नॉट दैट टीचर, वो बुक खोलेंगे सॉफ्ट कॉपी होती है उनके पास, देखिए आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ टीचर, सॉफ्ट कॉपी तो हमारी भी यहाँ पर होती है भाई, ये मेरी GST की बुक है, मैं सॉफ्ट कॉपी खोलूंगा, आप भी अपनी बुक खोल के बैठे होंगे, ये देखिए जरा, ये हमारी GST की सॉफ्ट कॉपी है, बुक हार्ड कॉपी बेटा, ये रही हमारी बुक्स की, ये हमारी GST की हार्ड कॉपी है, ये हमारी इनकम टैक्स की हार्ड कॉपी है बुक्स की, विच यू विल बी गेटिंग। तो आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ टीचर जो यू नो बुक को खोलेंगे, मैं बताता हूं क्या करते हैं और जगह पे, ये सब मेरे अवार्ड्स ववार्ड्स हैं, ये सब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनीज, ऑल दीज थिंग्स, मार्केटिंग टूल्स होते हैं, ये सब करते हैं, हम भी करते हैं। अब देखो जी, ये हमारी GST की बुक है, तो बाकी टीचर्स क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे जी बुक, और जी भाई कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, नो क्रेडिट, पीछे आधे बच्चे सो रहे होते हैं पीछे, क्योंकि वो इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होती है, तो आप भी अपनी बुक खोल के बैठ जाते हैं, हाँ जी जी नो कैस्केडिंग, हो गई क्लास, चलो घर में रिकॉर्डिंग देख लेंगे दोबारा से, या क्या मजा आएगा उसमें। तो क्लासेस मेरी स्पेसिफिकली टैक्सेशन के अंदर इज वेरी इंटरएक्टिव, आई विल बी गिविंग यू नोट्स, जिस प्रकार से आज हम नोट्स लिखेंगे वो नोट्स होंगे। ये जो बुक है हमारी, ये भी ऑलरेडी बड़ी कंसाइज है, इसमें हमने सारी समरीज दी हुई है, बट आप हाथ से जब लिखोगे ना नोट्स, यू विल नेवर फॉरगेट, ठीक है? तो मेरी अप्रोच मैंने आपको बता दी, फर्स्ट इज आई डोंट यू नो रीड फ्रॉम द बुक, आई गिव यू रिटन नोट्स। जिस तरीके से हम स्टार्ट करने वाले हैं, अपना एक होमवर्क रजिस्टर क्लास में लेके आएंगे और उसमें आप नोट्स बनाएंगे, अपने हाथ से लिखी हुई चीज भूलता नहीं है आदमी। सो 4 इंपॉर्टेंट लिखिए बेटा, पेपर ले लीजिएगा फ्रेंड से, पिलर्स ऑफ इनकम टैक्स, और अच्छी बात यह बेटा आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, अकाउंट या अकाउंटिंग बैकग्राउंड के, आपने टैक्स पहले कुछ देखा है नहीं देखा, आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, मैं ये सोच के चलूंगा आपको कुछ नहीं पता, मतलब आप 100 बार क्वेश्चंस पूछिए बेटा पीछे, आप मुझसे 100 बार क्वेश्चंस पूछिए, आस्क मी 1000 टाइम्स, नो इश्यूज, फाइन, बट डोंट आस्क 1 क्वेरी 20 टाइम्स। चलिए, यस गाय बताइए, समबडी वाज सेइंग आस्किंग समथिंग, या स्पीकर्स बंद करने हैं, थोड़ा मैं स्लो कर देता हूँ वॉइस को, इतनी अच्छी आवाज है मेरी, तो मेरा तो टेस्ट कर रहा है कि सर चल के भी दिखाओ। 4 इंपॉर्टेंट पिलर, सब सही है, 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ इनकम टैक्स। तो आज एक पिलर पे चर्चा होगी, उसी में लग जाएगा 1.5 घंटा, और आपको ये पता लग जाएगा इनकम टैक्स किसको देना होता है, पूरा आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना देना होता है, उसके लिए मुझे एक लेक्चर और चाहिए होगा, तो वैसे इतना टाइम होता नहीं है, देख लेते हैं अभी एक तो करते हैं। सो 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ इनकम टैक्स गाइस, फर्स्ट पिलर, हु इज
लायबल टू पे इनकम टैक्स इन इंडिया, हु इज लायबल टू पे इनकम टैक्स इन इंडिया, बताइए दोस्तों, आप लोगों ने सुना हुआ होगा, यू माइट हैव हर्ड, हु इज लायबल टू पे इनकम टैक्स इन इंडिया? जी बच्चों, जिसकी इनकम टैक्स ब्रैकेट को क्रॉस करती हो, ब्रैकेट क्या आई है? नाइस, और कोई आंसर? एनीवन एल्स? ढाई लाख से, वो तो लिमिट की बात कर रहा, आपने लिमिट को क्वांटिफाई कर दिया कि आप ढाई लाख कह रहे हैं, वैसे तो लिमिट अलग अलग है, वेरी गुड, और कोई आंसर? यू पीपल आर नॉलेजेबल, वेरी गुड, आई लाइक इट। हाँ जी, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, चलो बहुत टेक्निकल कर दिया इसने, बट नंदलेस वेरी गुड, अमेजिंग, कहां से सीखी है बातें सारी? चलो कोई नहीं, वही मैं बार बार आपको रिपीट करता रहूंगा, लेकिन चलो पढ़ना शुरू करते आइए जी। आंसर जो आप लोगों ने दिया बिल्कुल सही है, एनी पर्सन बातें नहीं, हुज टोटल इनकम, एनी पर्सन whose total income exceeds, yes my dear friends, exceeds exemption limit is liable to pay any person whose total income exceeds exemption limit is liable to pay इनकम टैक्स इन इंडिया। सो गाइज अंडरलाइन द की वर्ड्स माई डियर फ्रेंड्स, अंडरलाइन द की वर्ड्स आर पर्सन, द की वर्ड इज टोटल इनकम, द की वर्ड इज एग्जेम्प्शन एक्सीड्स एंड द की वर्ड इज एग्जेम्प्शन लिमिट। एक्सीड्स का क्या मतलब होता है? ज्यादा या इक्वल टू? ज्यादा, अमेजिंग, एक्सीड्स का मतलब होता है ज्यादा हो जाना, और क्या चीज किससे ज्यादा हो जाए, जरा देखें गाइस, लॉ कह रहा है अगर आपकी टोटल इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर हो जाए, आपकी टोटल इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर हो जाए और आप पर्सन हो तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। बड़ा सिंपल सी बात। तो somebody ask you a question, who is liable to pay income tax in India, you say you should be a person, your total income should be exceeding the exemption limit, then you are liable, otherwise you are not liable. Now guys, what do you mean by person? Will a person include natural persons or will it include artificial persons or will it include both? Whenever a word comes in an act and we want to know the meaning of the word, where should we go? Koi bhi act padhte waqt usme koi shabd aa jata hai aur us shabd ka mujhe meaning chahiye, तो उसकी उस मीनिंग की डिक्शनरी कहां होती है? सेक्शन टू। जनरली सेक्शन टू में एक्ट में लिखे हुए वर्ड्स को डिफाइन किया जाता है। इसी प्रकार से द वर्ड पर्सन इज डिफाइंड इन द इनकम टैक्स एक्ट इटसेल्फ। तो जस्ट राइट डाउन पर्सन, द वर्ड पर्सन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन टू क्लॉज 31। गाइज सेक्शन टू तो मैंने बोला आप लोगों को, मैं ये ब्रैकेट में जो 31 है इसको क्लॉज बोलूं या सबसेक्शन बोलूं, दैट इज माय पॉइंट, दैट इज द थिंग्स यू आर गोइंग टू लर्न। डीप में बहुत जाना पड़ेगा, अभी तक तो हम ऊपर ऊपर से रहते हैं, लॉ हमने भी पढ़ा है फाउंडेशन में, बट इंटर इज यू नो वी हैव टू गो डीप। हां जी, तो शुड आई से सेक्शन टू, बट आई सेड क्लॉज, दैट्स अ लाइट लीगल मीनिंग बट इट इज नॉट अ सबसेक्शन, बट वाई, सो वाई डिड आई नॉट से सेक्शन टू सब सेक्शन 31, बट आई सेड सेक्शन टू क्लॉज 31, वाई डिड आई डू लाइक दिस? दोबारा बोलो, द सब पार्ट्स तो 31 तो सब पार्ट है, 32 भी सब पार्ट है,
नहीं, 231 कहता है पर्सन इंक्लूड्स सेवन कैटेगरीज, सेवन कैटेगरीज ऑफ पीपल आर लायबल टू पे इनकम टैक्स इन इंडिया। अगर आप सात कैटेगरी में नहीं आए, आप पे कोई इनकम टैक्स देने की दायित्व नहीं है, देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू। अब सुन लो जी, मैं क्यों उसको क्लॉज कह रहा हूं, क्लॉज इसलिए कह रहा हूं, क्लॉजेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। 231 अलग है, 232 अलग है, 235 अलग है, दीज आर ऑल इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। लेकिन अगर 231 232 से रिलेटेड होता, 232 233 से रिलेटेड होता, तो हम क्या बोलते हैं, सब सेक्शन। सारी डेफिनेशंस अलग अलग होती हैं, कोई लेना देना नहीं। इस रूम के जो बच्चे हैं, दूसरे रूम में क्या हो रहा है, आपको कोई लेना देना नहीं है, तो आप इंडिपेंडेंट हो दूसरे रूम के बच्चों से, बोलो यस और नो। तो हम आपको क्या बोलेंगे, क्लॉजेस, क्लॉज वन क्लॉज टू। जब सारे सब पॉइंट्स कंबाइंड है, एक दूसरे से रिलेटेड है, तो हम क्या बोलेंगे, सब सेक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर आजकल फ्लोर हम खरीदते हैं, तो हमारे ग्राउंड फ्लोर पे कोई अलग अलग रहने वाला होता है, चड्डा साहब, गुप्ता साहब सेकंड फ्लोर पे हैं, थर्ड फ्लोर पे मेहरा साहब हैं, और फोर्थ फ्लोर पे कपूर साहब हैं। सब आपस में कोई लेना देना नहीं, सब इंडिपेंडेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, क्लॉजेस, इनको बोलते हैं क्लॉजेस। लेकिन मुन्ना ग्राउंड फ्लोर पे मम्मी पापा रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे बेटा जी रहता है, सेकंड फ्लोर पे दूसरा बेटा रहता है, तो क्या आपस में उनका कोई लिंक है, यस, बोलो हाँ या ना। इनको क्या बोलेंगे, सब सेक्शन। तो सेक्शन को जब हम खोलते हैं, उसके अंदर हमें अलग अलग पार्ट्स दिखाई देते हैं, हम देखते हैं अगर पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू से संबंधित है, पॉइंट नंबर टू पॉइंट नंबर थ्री से संबंधित है, तो वी कॉल इट सब सेक्शन। एंड व्हेन वी सी पॉइंट नंबर 31 इज इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट नंबर 32, 32 इज इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट नंबर 33, वी कॉल इट क्लॉजेस। दैट्स द रीजन आई सेड सेक्शन 2 क्लॉज 31 डिफाइंस द टर्म पर्सन। अगर आप डेफिनेशन को देखेंगे, यहां पर इंक्लूड्स वर्ड लिखा है, मींस नहीं लिखा। इंक्लूड्स का मतलब इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इसके अंदर और भी चीजें आ सकती हैं जो इससे मिलती जुलती हो। जब हम चीजों को फोर कॉर्नर्स में डिफाइन नहीं कर सकते, देन वी यूज द वर्ड इंक्लूड्स। अगर हम किसी चीज को स्पष्ट तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, देन वी यूज द वर्ड मींस। आई शुड आई यूज मोबाइल इंक्लूड्स और मोबाइल मींस, मोबाइल को डिफाइन किया जा सकता है। शुड आई से वॉटर मींस या वॉटर इंक्लूड्स, मींस, बट लिक्विड इंक्लूड्स वॉटर, पेप्सी, वट एवर इट इज। गॉड, कैन बी डिफाइन गॉड, नो, तो वी विल यूज द टर्म गॉड इंक्लूड्स एक्स वाई जी अलग अलग टाइप के, उससे हमें समझ आ जाती है। तो मींस लिखते हैं, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन होती है, इंक्लूड्स लिखते हैं, इंक्लूसिव डेफिनेशन होती है। सेवन कैटेगरीज की मैं आज पूरी की पूरी चर्चा नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। मैं यहां पर आज चर्चा करूंगा इंडिविजुअल और अदर सिक्स कैटेगरीज, सिक्स अदर कैटेगरीज। सो गाइज, आज की क्लास के अंदर जो मेरी चर्चा का विषय रहेगा, दैट विल बी इंडिविजुअल। नाउ इन टू लाइन्स डिफाइन हु इज एन इंडिविजुअल, दैट वॉज अ वर्ड आई वॉज लुकिंग फॉर, ह्यूमन बींग्स। मेरे प्यारे बच्चों, ह्यूमन बींग्स। अच्छा, मेल्स आएंगी, फीमेल्स आएंगी, थर्ड जेंडर आएगा, क्या आएगा बेटा? लॉ में डिफाइन ही नहीं किया, तो लॉ कहता है ह्यूमन बींग इंडिविजुअल लाइबल टू पे टैक्स, तो उसके अंदर मेल भी आ जाएगा गाइज, फीमेल्स भी आ जाएगा, थर्ड जेंडर, फोर्थ जेंडर, वट एवर द जेंडर आर दीज डेज, लॉट ऑफ चीज है, थर्ड जेंडर, माइनर भी आ जाएगा, मेजर भी आ जाएगा। क्या सर, दो साल के बच्चे के ऊपर भी इनकम टैक्स लग सकता है? यस सर, वो कैसे पैसा कमाएगा बेटा? डाइपर का ऐड करता है ना, वुगली वुगली वुश, जॉनसन जॉनसन बेबी पाउडर का ऐड करता है, तो सर वो टैक्स कैसे देगा बेटा? उसके माँ बाप देंगे, उसके माँ बाप देंगे उसके बिहाफ पे, तो टैक्स लगेगा। यस सर, 90 साल के मेरे दादाजी लाखों कमाते हैं, उनके मुंह में दांत नहीं है, पेट में आंत नहीं है, तो क्या उनको भी टैक्स देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा बेटा। अरे मेरे पापा ना अमेरिका में रहते हैं, इंडिया से पैसा कमाते हैं, फॉरेन नेशनल हैं वो यूएस के सिटीजनशिप है उनके पास, देना पड़ेगा बेटा। अगर आप इंडिया से पैसा कमा रहे हो, आप काले गोरे हरे नीले पीले गीले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लॉ डिफाइन डिस्टिंग्विश नहीं करता। मैं मैरिड हूँ, हैप्पी हूँ, आप अनमैरिड हैं, हैप्पी हैं, आपको भी टैक्स देना पड़ेगा और मुझे भी देना पड़ेगा अगर हमारी टोटल इनकम एक्सीड हो जाए। अच्छा, मैं एक्स रिलीजन का हूं, आप वाई रिलीजन के हैं, रिलीजियस बेसिस पे भी टैक्स में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो ना जेंडर
ना आपका कास्ट, ना क्रीड, ना नेशनैलिटी, ना किसी आधार पे कोई डिस्टिंग्विश नहीं करता लॉ। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था, उसमें कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी की बात की गई थी, उसमें कहा गया था मेजर होना चाहिए और ही शुड नॉट बी नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होना चाहिए और वो ड्रंकर्ड और ये सब नहीं होना चाहिए। तो दारू पी के टल पड़ा, टुल्ली टुल्ली टल पड़ टल्ली दारू पी के टल्ली पड़ा है, क्या उसको भी टैक्स देना है? यस। और साउंड मतलब ही इज नॉट ड्रंक तो उसको भी देना है। तो वी डोंट डिस्टिंग्विश। तो पहली बात आप समझ गए कि भाई पर्सन में कितने लोग आएंगे, सात, सात में एक इंडिविजुअल आएगा और बाकी छह अदर कैटेगरीज में आर्टिफिशियल पर्सन हैं। इनकी चर्चा आज नहीं करेंगे, लिखिए आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। अच्छा, हमारी ना कॉलोनी में मैं एक बात बताना भूल गया, आपको थोड़ा सरप्राइज होगा, एक चुड़ैल रहती है, चुड़ैल वो आत्मा वाली, तो रात को जो भी जाता है ना उसकी चिपट जाती है और वो कहती है कि मुझे आप 1 करोड़ रुपया दो नहीं तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तो अच्छा खासा धंधा है उसका, चुड़ैल का। इस चुड़ैल लायबल टू पे इनकम टैक्स? मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, इस चुड़ैल लायबल टू पे इनकम टैक्स? व्हाई? हाँ, ह्यूमन बीइंग नहीं है, क्योंकि खाली वहां पर नेचुरल पर्सन में एक ही नेचुरल पर्सन डाला है एंड दैट इज ह्यूमन बीइंग्स, बाकी और कोई नेचुरल पर्सन डाले नहीं गए हैं। तो आत्माएं हैं या भटकती हुई हैं, शमशान में हैं, कुछ भी हैं, उनको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, एक बात और बताना भूल गया, मेरी कॉलोनी में एक हाथी रहता है, हाथी इट इज नॉट फनी, जैसे रियलिटी में है, उसकी हथनी भी है एंड दे आर स्मॉल टू किड्स, अप्पू पप्पू। तो ही इज एक्टिंग ऑन अ फ्रीलांसिंग बेसिस, फ्रीलांसिंग बेसिस एंड ही हैज अ गुड इनकम। वो जाता है सर्कस में एंड परफॉर्म्स एंड ही हैज अ पैकेज अराउंड अबाउट 50 लाख। नाउ हाथी कम्स टू मी फॉर कंसल्टेंसी, सचिन सर यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एम आई लायबल टू पे टैक्स? नाउ यू आर बिकमिंग अ प्रोफेशनल, यू गाइड हिम, सो टेल हिम, टेल इट, वट एवर इट इज ही लायबल टू पे इनकम टैक्स? Why? Because वो पर्सन ही नहीं है। तो टोटल इनकम कुछ भी हो वो सेकेंड स्टेप है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? यू शुड बी अ पर्सन। पर्सन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 31 व्हिच कंसिस्ट्स ऑफ 7 कैटेगरीज। 7 कैटेगरी में 6 आर्टिफिशियल पर्सन एंड 1 नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन में प्लांट्स नहीं है, नेचुरल पर्सन में सोल नहीं है, नेचुरल पर्सन में ह्यूमन बींग्स है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, इरिस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी। काला, गोरा, पीला, गंजा है जी, doesn't make any difference. बाल वाला है जी, doesn't make any difference. He is an individual. As long as he is individual and living, or he is dead for 20 years, obviously now how will we take tax from him? But the point I'm trying to say is, you should be a individual. Now substitute individual in the first pillar. So now substitute every individual. I'm not talking about other persons. We'll discuss it for the later topics. Any individual whose total income exceeds exemption limit. In today's class, I'm going to tell you what is total income, and I'm also going to tell you what are the exemption limits and half tax profession you're going to become. So now write down process of computation of total income. Write down, my dear friends, this is my second point, process of computation of total income. Guys, first step is, these are also the overview of the chapters which we are going to cover. Compute residential status of the individual, of the person, and person means individual. Now guys, you might be wondering, what is sir residential status? Sir, suna ho aapne resident or non-resident ka concept. ये रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट को आप सरल में ही कह सकते हो, रेजिडेंट को मैं बोलता हूं अपना बच्चा और नॉन रेजिडेंट को मैं बोलता हूं पड़ोसी का बच्चा। अब जो अपना बच्चा है वो यहां पर बैठा हुआ है, वो बाहर बैठा हुआ है, कहीं और बैठा हुआ है, मेरी जवाबदेही उसके ऊपर है, मैं उसको चेक कर सकता हूं। जस्ट लाइक पेरेंट्स आपके ऊपर कंट्रोल रखते हैं क्योंकि आप उनके बच्चे हो, यहां पर बदतमीजी करोगे, यहां पर आप कुछ भी करोगे, आई कैन मेक अ कॉल टू योर पेरेंट्स एंड से, हे योर किड इज नॉट डूइंग वेल,
तो वो आपको अकाउंटेबल कर सकते हैं। आप घर में कुछ अच्छा नहीं करते हैं, आपको पेरेंट्स वहां पर भी अकाउंटेबल कर सकते हैं। लेकिन कोई पड़ोसी का बच्चा है, पड़ोसी का बच्चा को मैं उसके घर में जाके लायबल नहीं कर सकता, लेकिन वो मेरे घर में आ जाएगा तो आई कैन आई मेक हिम लायबल, यस। तो इस टाइप से गवर्नमेंट क्या करती है, मोटा मोटा समझ लीजिएगा, गवर्नमेंट कहती है अगर आप रेजिडेंट है देश के तो आपकी ग्लोबल इनकम्स इंडिया में टैक्सेबल होंगी। आपकी कौन सी इनकम टैक्सेबल होंगी? ग्लोबल इनकम्स इफ यू आर अ रेजिडेंट। सो वी आर रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, हम इंडिया में रहते हैं, हम इंडिया से कमाएं, यूएस से कमाएं, यूके से कमाएं, चाइना से कमाएं, मलेशिया से कमाएं, हमें इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा बिकॉज वी आर रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। अगर गाइस हम नॉन रेजिडेंट बन जाते हैं, हमारी एक इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, दैट इज इंडियन इनकम ओनली। तो जो बाइडन साहब है, हमारे शकीरा है, हमारी लेडी गागा है, हमारी मींस बाहर की, हमारी कहां से आ गई वो, तो वो बाहर की जो उनकी इनकम है वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी क्योंकि वो नॉन रेजिडेंट है, लेकिन वो इंडिया में आकर कुछ कमाएंगे तो टैक्सेबल होगा। तो एक कॉन्सेप्ट आएगा हमारे इनकम टैक्स में, रेजिडेंशियल स्टेटस। अगर आप रेजिडेंट बन गए तो वही वाली बात है ना, वो एक गाना है ना, तुझे अपना बनाने की कसम खाई है। गवर्नमेंट चाहती है ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेजिडेंट बनाना। क्यों? रेजिडेंट बनते ही आपकी देश विदेश की इनकम कहां टैक्सेबल हो जाती है? इंडिया में। लेकिन अगर आप नॉन रेजिडेंट रहे तो आपकी पड़ोस में कुछ भी करो, वी आर नॉट लायबल, हमारे घर में आके रायता फैलाओगे तो हम तो पिटाई करेंगे। क्लियर है बात? ये चैप्टर आएगा रेजिडेंशियल स्टेटस, इसमें क्राइटेरिया दिए हुए हैं कितने दिन इंडिया में रहोगे रेजिडेंट बनोगे, 180 दिन या 182 दिन, कितने दिन रहना पड़ेगा, कितने दिन नहीं रहना पड़ेगा। अगर आप रेजिडेंट है तो कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी? बोथ फॉरेन एज वेल एज इंडियन। और नॉन रेजिडेंट हो तो कौन सी टैक्सेबल होगी? इंडियन। हो गया काम खत्म। सेकेंड स्टेप, वंस यू कंप्यूट रेजिडेंशियल स्टेटस, माई डियर फ्रेंड्स, स्टेप टू आता है, डिटर्मिन वेरियस सोर्सेज ऑफ इनकम, डिटर्मिन वेरियस सोर्सेज ऑफ इनकम बेस्ड ऑन रेजिडेंशियल स्टेटस। मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा आप लोगों के लिए, सचिन तेंदुलकर साहब रेजिडेंट ऑफ इंडिया, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, तो विल ही टेक इंडियन सोर्सेज जो इंडिया में टैक्सेबल होगा या यूएस, यूके, मलेशिया की इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी सारी? और जो बाइडन साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब नॉन रेजिडेंट है तो वो यूएस में जो भी सैलरी कमा रहे हैं, यूएस में जो भी कर रहे हैं, वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन वो इंडिया में कमाएंगे तो टैक्सेबल होगा। क्लियर बात? अब मुझे बताओ सोर्सेज ऑफ इनकम क्या क्या हो सकती है। आप लोगों ने भी सोचा होगा दैट यू गोइंग टू अर्न मनी, सो व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज थ्रू विच यू कैन अर्न मनी, टेल मी। फर्स्ट, सैलरी, यू कैन गो फॉर अ जॉब, दैट्स अ बेस्ट पार्ट। मैं फ्रेंकली बोलूंगा, वंस यू बिकम अ सीए, मुझे लग रहा है प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट मत करना, इट टेक्स टाइम टू एस्टैब्लिश प्रैक्टिस। 15-20 साल काम करो, 22-23 में आप सीए बन जाओगे, 15-20 साल में आप 1.5 करोड़ कमा लोगे आराम से, जो आपका सेविंग हो जाएगा, उसके बाद अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करना। प्रैक्टिस इमीडिएटली स्टार्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट अनटिलनेस यू हैव अ बैकग्राउंड। अगर आपके पापा की ऑलरेडी प्रैक्टिस है या आपके किसी रिलेटिव की प्रैक्टिस है, फिर तो फायदा है, तो आप यू कैन गो फॉर अ जॉब। बोलो जी, और बताओ प्रोफेशनल फीस। जैसे गाइस, बीइंग अ सीए, मैंने अपनी कोई जॉब नहीं करी, मैंने अपना काम स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग के 2 या 3 साल जब मैं सीए बना था, मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी, बट मुझे लगा प्रैक्टिस में ना ये ऑफिस में बैठना, टाई लगा के क्लाइंट आ रहे हैं, दैट वॉज नॉट माई कप ऑफ टी। मैं बोलने में हमेशा ही शुरू से अच्छा रहा हूं, तो देन आई स्टार्टेड माई टीचिंग प्रोफेशन इन 2005, तो उसके बाद मैंने ये काम स्टार्ट किया, तो जब से आई एम टीचिंग इन टू टीचिंग, तो मुझे फ्रीलांसिंग करना बड़ा पसंद आता है, बंद के बैठना मुझे पसंद नहीं आता, और मेरे साथ प्रॉब्लम है सुन नहीं सकता किसी की, तो अपने काम में आपको किसी के सुनने नहीं पड़ती। जॉब में जाओगे तो ऊपर बॉस बैठ जाएगा, सचिन इधर आओ, सचिन जाओ, सचिन इधर आओ, सचिन जाओ, जॉब में थोड़ा सा ये रहता है। तो जहां पर नौकरी, जॉब को हम क्या बोल सकते हैं बेटा? नौकरी। और प्रोफेशन को क्या बोलते हैं? मालिक, जहां पर आप मालिक बन के काम करते हो। और बताओ कैसे कह सकते? एंटरप्रेन्योर मींस बिजनेस, वेरी गुड। आजकल शार्क टैंक स्टार्ट हो गया बेटा, सो बिजनेस करके भी यहां पर भी आप मालिक बन के काम करते हो। फर्क क्या है दोनों में? प्रोफेशन में भी मालिक हो और मुन्ना बिजनेस में भी मालिक हो, डिफरेंस क्या है?
प्रोफेशन में कोर्स करना पड़ेगा, डिग्री लेनी पड़ेगी, सीए की हो, सीएस की हो, डॉक्टर की हो, लॉयर की हो, इंटीरियर डेकोरेटर की हो, आर्किटेक्ट की हो, डिग्री के बिना प्रोफेशन नहीं होगा। लेकिन बिजनेस के लिए चाहिए एक्यूमन, एक्यूमन मीन दो दुनी चार। मेरी तो फैमिली ने किसी ने बिजनेस नहीं किया, तो वहां पर वो दो दुनी चार वाली बांक में है ही नहीं बात। क्या होता है, मेरे मामा की फैमिली, मेरे जो मम्मी के साइड की फैमिली, वो सारी बिजनेस में है। मेरी वाइफ की साइड की फैमिली सारी बिजनेस में है। वो लोग, बच्चा पैदा ही होता है बोलता है बिजनेस कर लूंगा, तो बचपन से ही कहता है वो। हम लोगों ने खुद अपनी फैमिली में सीए देखे, प्रोफेशनल देखे, हमें सिक्स में पता था क्या कर लूंगा, तीए। बोलते क्या बोल रहे हो, तीए कर लेंगे, तो तीए। तो वो जब से ही हमें वो आदत है। और एक तो ना क्या होता है, प्रोफेशनल रिस्क नहीं लेता, बिजनेस वाला रिस्क लेता है। तो वो आपको देखना है, काम अपने दोनों है, मैं भी अपना मालिक हूँ, बिजनेसमैन भी अपना मालिक है, लेकिन स्टेक्स बहुत ज्यादा होते हैं बिजनेस में। स्टॉक लेना पड़ता है, पैसे लगाने पड़ते हैं। हमारा ना सारा ब्रेन है और कुछ नहीं है, हमारी इन्वेस्टमेंट ये है, हम इसी का खाते हैं। किसका खाते हैं, इसका। लेकिन वो जो बिजनेसमैन है वो गुड्स का खाएगा, अपने अपनी क्वालिटी का खाएगा। बात समझ रहे हैं, चलिए नाइस। और आपको बताइए दोस्तों, मैं कितना अच्छा गाना गाता हूँ, तो सिंगर भी बन सकता था मैं। वैसे मुझे सुर नहीं आता, ताल नहीं आता, लय नहीं आता, और मुझे सब कुछ आता है, बाकी जोश बहुत है। तो गाइस, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, कारपेंटर, पेंटर, कोरियोग्राफर, लिरिसिस्ट, शाहरुख खान, तू है मेरी किरण, ये कौन जाएंगे, इनको कहाँ खिलाएंगे? शाहरुख खान, सुनिधि चौहान, एम एफ हुसैन, कारपेंटर, पेंटर, व्लॉगर, ब्लॉगर, यूट्यूबर, आरजे, वीजे, डीजे वाले बाबू, मेरा गाना बजा दो। ये इनके लिए कोई डिग्री लेनी पड़ती है? इतना अंदर से जोश आता है, कौन से कहां पर आएगा ये? बोलो बोलो। नहीं, इसको एक नाम दिया जाता है सारी चीजों, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, कैटरीना भाभी, ये सब एक ही उसमें आएंगे। इट्स नॉट अ प्रोफेशन, दे डोंट रिक्वायर डिग्री। शाहरुख खान कौन सी डिग्री है भाई? सचिन गुप्ता के पास है, सचिन गुप्ता इज अ प्रोफेशनल। दैट डजंट मीन शाहरुख खान इज नॉट प्रोफेशनल। इंग्लिश मीनिंग प्रोफेशन, इनकम टैक्स में वी कॉल देम वोकेशन, इनकम टैक्स में वी कॉल देम वोकेशन, जहां पर टैलेंट, स्किल्स, जैसे पोएट्स भी आ गए, पोएट्स, कवि और मुशायरा करने वाले, मुशायरा कह रहा हूं, कुछ और मत समझ लेना। और बताओ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आ गई ना बात बेटा, प्रोफेशन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वोकेशन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। शाहरुख खान किसी के बाप का नौकर नहीं है, हल्दीराम किसी के बाप का नौकर नहीं है, और हां जी, और बताओ, रेंटल इनकम, अमेजिंग। गाइस सच बताऊं, बड़ी चिढ़ मिस्ती है मुझे अपने दोस्त से, चार रेंटल प्रॉपर्टीज हैं, बाप मर गया उसका और चारों प्रॉपर्टीज के नाम कर गया, 5 लाख रुपए महीने का रेंट आता है उसको। इतनी जलन मिस्ती है, जब वो इंस्टाग्राम पे पेरिस की, फ्रांस की और यूएस की फोटोज डालता है घूमते हुए, हर छठे महीने गाड़ी बदलता है। क्यों? उसके बाद रेंट की इनकम आ रही है, उसके लिए बिल्डिंग कम आ रही है, हमें खुद कमाना पड़ता है, डेमोज देने पड़ते हैं कि बच्चे अच्छा लगे जब आए, हमारे लिए कितनी मुश्किल है। उसको कोई डेमो वेमो नहीं देना, मकान बना रखा है, बैठे बैठे कमाई आ रही है। सो रेंट ऑफ बिल्डिंग, बड़ी जलन मिस्ती है सच में, मतलब 5 लाख रुपए महीना बैठे बैठे आ रहे हैं यार। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, यस। एक मेरा फ्रेंड और है, वो ब्याज भाड़े का काम करता है, मतलब ये सारे बिजनेसमैन फ्रेंड्स हैं मेरे, बेटा सुनो प्लीज, ब्याज भाड़े का काम करता है, उसको कॉर्पस है, उसके पास 1 करोड़ का, किसी को 10 लाख दे रखे हैं 8% पे, किसी को 9% पे, किसी को 10% पे, तो ब्याज भाड़े का काम भी कर सकते हो, दैट इज इंटरेस्ट इनकम। और इंटरेस्ट वैसे आपको डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, शेयर्स, शेयर्स में तो डिविडेंड आता है, बॉन्ड डिबेंचर पे आ सकता है, एफडीज पे, सेविंग अकाउंट पे आ सकता है। नाइस, और बताओ। कैपिटल गेन का मतलब है बेटा सेल ऑफ एसेट्स। आजकल शेयर मार्केट में भी लोग पैसा कमाते हैं शेयर्स बेचकर, जमीन बेचकर, यू नो डिबेंचर्स बेचकर, एसेट बेचकर भी पैसा कमाया जा सकता है, वो कैपिटल इनकम्स होती। और बताओ, अमेजिंग गाइस, इसको हम कहते हैं कैजुअल इनकम्स। कैजुअल इनकम्स में कंसंट्रेट करिए बच्चों, प्लीज प्लीज प्लीज, देखिए कैजुअल इनकम में आएंगी लॉटरी, गैम्बलिंग, बेटिंग, कार्ड गेम्स, पत्ते के गेम्स आते होंगे खेलने आपको,
कार्ड गेम्स और इस टाइप की आपकी चीजें आ जाती, गेम शोज केबीसी एसेट्रा। आजकल एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है ऑनलाइन गेमिंग्स का, pokerbaazi.com और वो Rummy 24/7, ये भी इनकम्स टैक्सेबल होती हैं। पहले इनको कैजुअल इनकम्स की कैटेगरी में दिखाया जाता था, मगर निर्मला सीतारमन जी ने लास्ट ईयर बजट आया था, आज भी बजट आया, उसके बारे में थोड़ा सिग्निफिकेंस बता दूं। जो लास्ट ईयर बजट आया था उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग्स को अलग कर दिया, ऑनलाइन गेमिंग की इनकम्स को अलग कर दिया। सर ये बजट क्या होता है, थोड़ा सा इसकी चर्चा करवा दूं। आज भी बजट आया निर्मला जी का। देखो गाइस, इसमें मत लिखना जो बात मैं बता रहा हूं। एवरी ईयर बजट एक प्रेजेंट किया जाता है 1st of February को, टुडे इज 1st of February। तो गाइस इस बजट में एक डॉक्यूमेंट होता है जो एज अ टैक्स प्रोफेशनल हमें देखना होता है, दैट इज नोन एज फाइनेंस बिल, दैट इज नोन एज फाइनेंस बिल। आने वाले जो फाइनेंशियल ईयर है, कमिंग फाइनेंशियल ईयर की जो टैक्स की चेंजेस होती हैं उसमें आती है, आने वाला फाइनेंशियल ईयर की चेंजेस। मुन्ना अभी बजट कौन सा आया है, बजट 2023 या 24? 2024। तो इसमें फाइनेंस बिल कौन सा होगा, फाइनेंस बिल 2024। समझ गए मेरी बात, आने वाला फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, वित्तीय वर्ष जो आने वाला है, चल रहा है 23-24 और आएगा 24-25। सो माय डियर फ्रेंड्स, कमिंग फाइनेंशियल ईयर इज 24-25। तो 24-25 में आने वाली चेंजेस उसमें बताई जाती हैं। अच्छी बात यह है हमारे एग्जाम्स नवंबर में है सीए इंटर के, उसमें यह बजट एप्लीकेबल नहीं होगा। हमारे लिए बजट लास्ट ईयर वाला एप्लीकेबल होगा जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 का था। बात समझ आ रही है, हमारे सिलेबस के लिए जो नवंबर में हमारे एग्जाम्स हैं, वी हैव टू स्टडी द प्रोविजंस ऑफ द बजट 2023 व्हिच वाज प्रेजेंटेड लास्ट ईयर बाय निर्मला जी ऑन 1st February 2023 एंड व्हिच इज एप्लीकेबल फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24। तो एक बात क्लियर हो गई, हमारे एग्जाम्स में वित्तीय वर्ष 23-24 के प्रोविजंस आएंगे, 24-25 के प्रोविजंस नहीं आएंगे। और क्योंकि 2024 इलेक्शन ईयर है, यहां पर दो बजट्स आएंगे। ये जो बजट आया है 1 February को, इसको कहते हैं इंटरिम बजट। क्या कहते हैं, इंटरिम बजट। जैसे इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड होता है, कच्चा और पक्का, तो ये इंटरिम बजट आया है। नेक्स्ट बजट जो फाइनल बजट आएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो फाइनल बजट आएगा जुलाई के अंदर, जब मई जून में इलेक्शन प्रोसेस खत्म हो जाएगा। जो भी पार्टी, मोस्ट प्रोबेबली आपको पता ही कौन सी आएगी, बट स्टिल आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा वो मेन बजट इशू करेगा। तो फाइनल बजट आएगा जुलाई 2024 के अंदर। जैसे ये फाइनेंस बिल नंबर 1 कहलाया जाएगा, उसको बोलेंगे फाइनेंस बिल नंबर 2, उसको बोलेंगे फाइनेंस बिल नंबर 2 24। ये भी सर कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए होगा, गाइस ये भी 24-25 के लिए होगा। तो जब हमें एग्जाम्स अगले साल देने हैं मई एंड नवंबर 25 में, उन लोगों के लिए बजट एप्लीकेबल होगा। लेकिन हमारे लिए बजट कौन सा एप्लीकेबल है, लास्ट ईयर का। अब दो तीन बातें क्लियर करो, बजट एक लेखा जोखा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है हर साल अपने एक्सपेंडिचर और इनकम की डिटेल्स। बजट को जनरली 28 February को इशू किया जाता था, लेकिन मोदी सरकार ने उसको प्रीपोन कर दिया। लॉजिक क्या दिया, बड़ा अच्छा लॉजिक दिया। पहले बजट आज से 50 55 60 साल तक 28 फरवरी को आता था, क्योंकि आगामी फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है, तो बजट की जो चेंजेस हैं उसको अप्रूव भी करवाना पड़ता है लोकसभा से, राज्यसभा से, प्रेसिडेंट से, और फिर नोटिफाई भी करना पड़ता है। तो दिस प्रोसेस जनरली टेक्स 1.5 or 2 months। अब प्रॉब्लम यह आती है, बजट फरवरी एंड में आ रहा है, नया साल स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल को, मेहमान आ गए, खाना तैयार नहीं हुआ। तो बहुत बार ऐसा होता था मेहमान को बिठाना पड़ता था, अभी खाना आएगा, वो वेट करो। अब गवर्नमेंट ने प्रीपोन कर दिया 1 महीना, तो गवर्नमेंट का पूरे 2 महीने हैं, अप्रैल के भी और मई के भी, उसको पास करवाने के लिए। तो इसको अच्छा काम ये हुआ है। तो हर साल बजट कब आएगा, 28 फरवरी, 1st of February, 1st of February। उस बजट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए, टैक्स स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा, फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल में क्या होंगी चेंजेस, कौन से आने वाले साल के लिए, 23-24 या 24-25, और वो जो अभी बजट आया है इस साल, क्या दो बजट आएंगे, एक बजट आएगा, दो बजट आएंगे। जो भी बजट आया उसको कहते हैं इंटरिम बजट। एक नाम और है उसका, वोट ऑन अकाउंट, वी कॉल इट वोट ऑन अकाउंट। और जो फाइनल बजट आएगा दैट विल बी इन जुलाई। बेस्ट पार्ट ये, वी डोंट हैव टू स्टडी द प्रोविजन ऑफ द फाइनेंस बिल 24 एंड वी हैव टू स्टडी द प्रोविजन ऑफ द बजट 23।
क्लियर है बात? चलो नाइस, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। हमारा जो पेपर है ना, जो हमारा इनकम टैक्स का पेपर है, वो 50 मार्क्स डायरेक्ट टैक्सेशन है और 50 मार्क्स इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। 50 मार्क्स डायरेक्ट टैक्सेशन में वी विल बी स्टडिंग इनकम टैक्स एंड 50 मार्क्स इनडायरेक्ट टैक्सेशन में वी विल बी स्टडिंग जीएसटी। समझ गए मेरी बात? तो ये सारी जो चेंजेस होती हैं वो बजट के अंदर गवर्नमेंट पहले से ही बता देती है। तो वापस आते हैं बेटा अपने सोर्सेज ऑफ इनकम पे। और बताइए, ऑनलाइन गेमिंग्स हो गया, और बताओ बेटा, वैलेंटाइंस डे आ रहा है, तैयारियां कर ली होंगी आप लोगों ने, तो आपको क्या मिलने वाले हैं यहां पर? तोहफे मिलने वाले हैं बेटा, तो गिफ्ट्स। गाइस आपको ये जान के बड़ा अचरज होगा, गवर्नमेंट गिफ्ट्स की इनकम पे भी टैक्स लगाती है। गवर्नमेंट गिफ्ट की इनकम पे भी टैक्स लगाती है, चाहे कैश गिफ्ट हो चाहे वो काइंड गिफ्ट हो। और बताइए सोच के, डिविडेंड, डिविडेंड, और बताइए, चैरिटी इज लाइक अ गिफ्ट, डोनेशन मिल गई, गिफ्ट मिल गई, तो वो गिफ्ट में ही डाल दिया मैंने उसको, वन साइडेड। गिफ्ट इज विदाउट क्विड प्रो क्वो। व्हाट इज गिफ्ट? समथिंग विच यू आर गेटिंग विदाउट गिविंग एनीथिंग इन रिटर्न। और बताओ, पैसा कमाना है ना, तो और सोचो जरा कहां से कमा सकते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग, वो दैट्स अ बिजनेस, बिजनेस में डाल दो। मेरा ये एक स्मगलिंग का, हफ्ता वसूली का, गुंडागर्दी का, दैट्स ऑल बिजनेस। लीगल है, लीगल वी डोंट डिस्टिंग्विश। और मैं बताता हूं, रॉयल्टी। गाइस अगर आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं तो यू कैन अर्न रॉयल्टी इनकम। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, नो हाउ, रॉयल्टी मिलती है। और बताता हूं, कमीशन एंड ब्रोकरेज, दलाली का काम कर लो, कमीशन, दलाली, दलाली। हमारे बनियों में ना, बनियों की, हाउ मेनी ऑफ यू आर बनियास हियर? गाइड वन, सो नाइस। तो बनियों की जो शादी होती है, या तो लव मैरिज हो जाए, विच इज वेरी रेयर, बट उसमें दलाली वाला काम भी होता है बहुत बीच में। नहीं, दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ, हमने तो नहीं करी थी ऐसे, बट वो दलाल क्या होते हैं, उसमें बजट्स भी फिक्स होते हैं। बजट समझते हैं आप, एक खोखा, दो खोखा, लड़का सीए बन गया और बेटा चार खोखे का रिश्ता आएगा। अब तो वहां पर माता पिता पहले से प्लान करके रखते हैं। आई एम नॉट सेइंग सारे ऐसे करते हैं, आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया, ऐसा होता है। और जो सुनो बच्चों, प्लीज सुनिए, पीछे बातें नहीं बेटा, बातें नहीं। और वो जो कमीशन होता है ना उन दलालों का, दैट इज 2% ऑफ द बजट। अगर 3 करोड़ का रिश्ता हुआ है तो वो 2% लेते हैं दोनों साइड से। तो एक बार तो मैं सोच रहा था मैं कर क्या रहा हूं, मतलब यार 3 करोड़ पे अगर 2-2% 6-6 लाख रुपए दोनों साइड से मिलते हैं उस दलाल को, उस ब्रोकर को, ही गेट 6-6 लाख फ्रॉम बोथ साइड्स टू गेट द मैरिज डन। और ऊपर से मिलनी अलग होती है, लिफाफे अलग मिलते हैं उसको, जब लड़का लड़की देखने आते हैं ना, है करता हुआ आ जाता है वो, और 2100 का 3100 का लिफाफा। और बेस्ट पार्टी है, वो अकाउंटेबल भी नहीं है। लड़का लड़की बाद में एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, शादी टूट गई तो मैं क्या करूं, मैं तो मिलाया था। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, हर जगह कोई भी काम करो तो आपके आफ्टर सेल सर्विस भी होती है। पूछा जाता है कि आपने माल बेचा, आपका माल खराब निकला, कैसे तुम्हारे लड़का लड़की, तुम्हारा लड़का लड़की ऐसे, मैं क्या करूं? एंड गाइस जो मैं ब्रोकर को जानता हूं, ही हैज गॉट 2 BMWs और सारा पैसा ब्लैक का, इनकम टैक्स नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो नंबर 2 में आता है पैसा सारा, कोई चेक से पेमेंट नहीं आती उसकी। अगर उससे पूछा जाए तेरी कमाई क्या है, अरे हम तो मिलाते हैं जी, 2100 रुपए लेते हैं बस लिफाफे के, हम तो कुछ लेते ही नहीं, और उस बोरियों में पैसे उसका पहले पहुंच जाते हैं, सारा नंबर 2 का पैसा। दैट्स वाई इनकम टैक्स में टैक्स इवेजन बहुत है। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स खुद देना होता है, लोग छुपा जाते हैं। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स होता है, दुकान पे जाओगे लगेगा लगेगा, रेस्टोरेंट में जाओ तो लगेगा लगेगा, वहां ये तो नहीं कह सकते बिल मत काटना। छोटी मोटी दुकानों पे तो आप ये काम कर सकते हो, बात समझ रहे हैं? फोन का बिल आता है, चाहे प्रीपेड हो, पोस्टपेड हो, सब जीएसटी लग जाता है। तो जीएसटी की जब भी हमारे देश में हाईएस्ट टैक्स कैलकुलेशन आ रही है, टैक्स जो कलेक्शन हो रही है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसमें टैक्स इवेजन है नहीं, होती है बहुत हाई स्केल की। इनकम टैक्स में टैक्स इवेजन बहुत है। यू विल बी सरप्राइज टू नो, इन अ पॉपुलेशन ऑफ 130 करोड़, ओनली 5 or 7 करोड़ पीपल पे इनकम टैक्स। खाली 5 या 7 करोड़ लोग इनकम टैक्स देते हैं, बाकी इनकम टैक्स देते ही नहीं। आपको क्या लगता है दिल्ली में 1 करोड़ लोग तो दिल्ली में होंगे जो अच्छा खासा कमा रहे हैं? दिल्ली दिल्ली से मिल जाए, छोले भटूरे वाले दिल्ली के अंदर 8 या 9 बड़े फेमस है। एक लोटन के छोले भटूरे वाले हैं, एक आपके चाचा के भटूरे नॉर्थ कैंपस में, एक शालीमा, एक एक राम राम के छोले भटूरे, ओम के, बिल्कुल सही ओम, एक एक छोले भटूरे वाला 1-1 करोड़ का आदमी है। अब क्या वो 1-1 करोड़ की रिटर्न भरते नहीं भरते, देखो आई डोंट नो, लेकिन कितनी इतनी
कितनी ज्यादा कमाइयां हैं बता नहीं सकते। एनी हाउ वापिस आ जाओ, एक बार रिपीट करना बेटा, एक बार रिपीट करिए। पहला सोर्स ऑफ इनकम, आई वॉन्ट एवरीबडीज अटेंशन, पहला सोर्स ऑफ इनकम जॉब, दूसरा प्रोफेशन, तीसरा चौथा पांचवा छठा सेवन एट नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन लिखो एक्सेट्रा, फोर्टीन को कर दो एक्सेट्रा, फोर्टीन को कर दो एक्सेट्रा। कितने स्टेप्स हो गए गाइस? दो लिखिए स्टेप थ्री, एक बार थ्योरी हो जाए फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर देंगे आज। स्टेप थ्री लिखिए, डिवाइड द सोर्सेज ऑफ इनकम इनटू फाइव हेड्स। गाइस जैसे बेटा बिग बाजार गए या सुपर बाजार गए या जो भी आप ग्रोसरी स्टोर गए, थैले में भर के सामान ले आते हो, उसके बाद सेग्रीगेट करते हो, ये सामान किचन का, ये लिविंग रूम का, ये हमारे कमरे का, ये पापा के कमरे का, तो सामान को सेग्रीगेट किया जाता है। तो ये 14 सोर्सेज ऑफ इनकम को गवर्नमेंट कहती है पांच कैटेगरीज में डिवाइड करिए। गाइस जैसे एग्जांपल एक और देता हूं, आई टीच सीएस टैक्सेशन, आई टीच सीएमए टैक्सेशन एंड आई ऑल्सो टीच सीए टैक्सेशन। शायद इंडिया में कॉम्प्रीहेंसिव टैक्सेशन पढ़ाने वाला, मैं बड़ी बड़ाई बड़ाई नहीं कर रहा, दिस इज अ रियलिटी। आई एम दी ओनली टीचर जो सारे टैक्सेशन पढ़ाता है अक्रॉस ऑल द इंटरमीडिएट लेवल, बाकी आपको टीचर्स मिलेंगे एक पर्टिकुलर चीज के, बट आई हैव बैचेस, डिफरेंट डिफरेंट बैचेस ऑफ डिफरेंट लेवल्स। उसी तरीके से ये 14 इनकम जो आपने कमाई है इनको पांच कैटेगरीज में डिवाइड करना है। तो जो सीए के बच्चे होंगे उनका बैच हम अलग बनाएंगे, सीएस के बच्चे होंगे उनका बैच हम अलग बनाएंगे। इसी तरीके से गाइस हमारे पांच हेड्स में ये 14 इनकम्स को डिवाइड किया जाएगा, देखिएगा फिर लिखिएगा। पहला हेड है हमारा इनकम अंडर द हेड सैलरीज, इनकम अंडर द हेड सैलरीज। गाइस दूसरा हेड है हमारा, कैटेगरी है जो, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, इनकम अंडर द हेड, अब लिखना स्टार्ट कर दीजिए, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। गाइस तीसरा हेड है हमारा इनकम अंडर द हेड, एनी गेसेस? अमेजिंग, बिजनेस प्रोफेशन। बहुत आराम आराम से आपको टैक्स का सब्जेक्ट लेना है क्योंकि टैक्स का सब्जेक्ट में बारीकियां बहुत है, तो यहां पर हम जल्दी नहीं कर सकते। मेरी इनफैक्ट सबसे ज्यादा क्लासेस मेरी लगेंगी, अकाउंट से भी ज्यादा। अब तो अकाउंट्स का सिलेबस भी हो तो आपका वास्ट लग गया है, सबसे ज्यादा क्लासेस मेरी होंगी। अवर कोर्स विल बी अप्रोक्सीमेटली 250 घंटा प्लस जाएगा ये, क्योंकि टैक्सेशन इज द नीव। अगर यहां नीव अच्छी डल गई, एंड बीइंग अ प्रैक्टिसिंग पर्सन ऑल्सो आई नो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पर्सन इन रियल लाइफ, तो वही प्रॉब्लम्स हम यहां पर भी डिस्कस करते हैं, तो आपको ओवरव्यू भी मिलता है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिलता है। क्योंकि जब आर्टिकलशिप में जाओगे तो आपको पहले से पता होगा परमानेंट अकाउंट नंबर क्या होता है, रिटर्न फाइलिंग क्या होता है, और लोगों को टैक्स में प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दी क्लास, सो दैट होलिस्टिकली, खाली आप थ्योरेटिकल चीज पाकर कुछ ना बने, प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी आपको मिले, देन ऑब्वियसली योर नॉलेज विल बी ग्रेट। सफलता कब मिलती है? डिग्री से नहीं मिलती, डिग्री के साथ आपकी नॉलेज बेटर देन द बेस्ट होनी चाहिए। आपने हरीश सालवे का नाम सुना होगा, आपने कपिल सिब्बल का नाम सुना होगा, आपने अरुण जेटली साहब का, जो अब तो ही इज अनफॉर्चुनेटली नो मोर, कुछ चुनिंदा ही लोग ऊपर पहुंच पाते हैं और बाकी लोग यहां पर रह जाते हैं। चलो एग्जाम्पल रियल लाइफ का ले लो, कपिल शर्मा का, कितने कॉमेडियंस आए कितने चले गए, बट ही स्टिल गोइंग स्ट्रांग, क्योंकि इनकी पकड़ अपने फील्ड में बहुत तगड़ी है। तो अगर आपकी भी पकड़ किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी कॉन्सेप्ट में पकड़ तगड़ी आ जाए, तो फिर आपका कोई कंपैरिजन ही नहीं होता। तो इसलिए आपकी इंटेंशन ही होनी चाहिए, हर चीज को समझने का काम करें हर सब्जेक्ट में, टीचर की जान खाओ। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो बच्चे क्वेरी पूछेंगे, जो बच्चे डाउट पूछेंगे, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होंगे। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस, आई मे बी रॉन्ग, जो नहीं पूछेंगे वो सेकेंड अटेम्प्ट में पास होंगे, क्योंकि वो अपने अंदर ही अंदर सोचे जा रहे हैं, पूछ ही नहीं रहे। तो आपको इवॉल्व होना पड़ेगा, आस्क 20,000 टाइम्स द क्वेरीज, आप पूछिए, इट्स योर लाइफ, आप जान खाइए। बच्चे पीछे जान खा जाते हैं, फोन करने सर प्रॉब्लम आई है, आई फील गुड, आप नहीं पूछते तो आई फील बैड, इट इज योर लाइफ ना। तो आपको क्वेरीज पूछनी है, जितनी ज्यादा क्वेरीज पूछोगे, यानी कि आप काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, होमवर्क कर रहे हो, तो यू नीड टू बी आस्किंग क्वेरीज। ये हर सब्जेक्ट में रखिएगा बात।
तो आपको अपने भाईचारा और दोस्त चारा को दूर करना है, और यू नीड टू बी आस्किंग क्वेरी, सचिन सर ये बताने ये क्या चीज होती है। तो ट्रीट द टीचर लाइक अ फ्रेंड, मेरी ये राय है, पर्सनल राय है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट फोर्थ हेड बताइए, कोई आइडिया? अमेजिंग इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। एंड माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट हेड है हमारा इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, गाइस, वो जो भी हमने 14 सोर्सेस बताए उनको विभाजित करिए कॉलम्स में, बताइए कौन सी इनकम, कौन सा कमाई, कौन से कैटेगरी में जाएगी। सबसे पहला ढूंढिए, जॉब वर्ड था तो जॉब वाली कमाई कहां जाएगी? सैलरीज में। अमेजिंग, जॉब में, बहुत ही बढ़िया। सेकंड देखो बेटा, बिजनेस यहां पर आएगा। अब आपको कैटेगराइजेशन करना भी आ रहा है, हर आदमी जितने भी हिंदुस्तान टैक्स पेयर्स हैं अपनी इनकम को 5 हेड्स में डिवाइड करते हैं। बताइए नेक्स्ट प्रोफेशन, वो भी इधर ही आएगा गाइस। और बताइए नेक्स्ट इनकम बताओ, वोकेशन, वो भी इधर ही आएगा। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाली इनकम सारी बिजनेस प्रोफेशन। नेक्स्ट रेंट ऑफ बिल्डिंग, गाइस अमेजिंग, रेंट ऑफ बिल्डिंग अमेजिंग। बेटा एक इनकम ढूंढना सेल ऑफ एसेट्स, ढूंढना जरा, है ना यहां पर, वो यहां दिखा दो, सेल ऑफ एसेट्स। और बेटा सारी अदर इनकम्स इधर, अदर इनकम्स इधर। तो वो जो आपकी इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, ऑनलाइन गेमिंग्स है, कैजुअल इनकम्स है, सब अदर। अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा कैटेगराइजेशन के ऊपर, मैं आपको इनकम दूंगा, आप बताना कौन सी कैटेगरी लगेगी। लेट मी सी, पीसी ज्वेलर्स या कल्याण ज्वेलर्स, वो अपनी इनकम कहां दिखाएंगे? लेकिन सचिन सर ने तो बोला सेल ऑफ एसेट्स इधर आती है, सचिन सर ने तो बोला सेल ऑफ एसेट्स। एक सेकेंड, तो गुड्स तो है, मैं भी ज्वेलरी बेचूं, मेरे लिए भी गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स। तो शाहरुख खान ज्वेलरी बेचे तो अच्छा, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन अटक गई बात, वाओ ऐसे क्वेश्चन बड़े मत। शाहरुख खान सेलिंग ज्वेलरी, एक सेकेंड, एक सेकेंड, अमेजिंग, ये बड़ा अच्छा पॉइंट अटका है। कल्याण ज्वेलर ज्वेलरी बेच रहे, शाहरुख खान ज्वेलरी बेच रहे। अब पहले तो रीजन, बाद में पहले थ्योरी। कल्याण ज्वेलर ज्वेलरी बेच रहे, बेटा वो होगा बिजनेस प्रोफेशन, उसको बिजनेस प्रोफेशन वाले कैटेगरी में दिखाया जाएगा। उसको हम पीजीबीपी भी कहते हैं शॉर्ट में, पीजीबी मीन्स प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। शाहरुख खान सेल इन ज्वेलरी, अरे बाबा सेल ऑफ एसेट्स, कैपिटल गेन्स। ये होता है एक तरीका रटने का, ये होता है रट्टाफिकेशन का तरीका, रट लो। लेकिन बेटा मैं एक भी शब्द नहीं रटवाऊंगा, या एक्ट कह दे रट लो फिर मैं रटवाऊंगा, उसमें मैं रीजन नहीं दूंगा, एक्ट नहीं का है। इसका रीजन क्या है, आप बता रहे थे लेकिन और सरल करना, मुझे इतना सरल करना है आप लोगों के लिए टैक्सेशन कि आप सोते सोते भी पढ़ना, आपको झपकियां भी आ रही हैं, वैसे मेरी क्लास में आती नहीं है, आ भी जाए तो आपको समझ आ जाए। जी और आपने बात तो सही बोली, मैं और सरल करना चाहता हूं, चौथी का बच्चा भी समझ जाए। शाहरुख खान ने भी खरीदी इसलिए थी कि बेचेगा, नहीं शाहरुख खान, अच्छा ज्वेलर कल्याण ज्वेलर महीने में एक बार बेचते हैं, दुकान एक बार खोलते हैं, तो अगर डेली का काम नहीं है, यही तो प्रोफेशनल का काम है। बेसिकली स्टॉक, जो चीज स्टॉक है, जो आपने बोला खरीदना बेचना उसको कहते हैं स्टॉक। तो स्टॉक को बेचकर इनकम हो जाएगी बिजनेस में, और शाहरुख खान के लिए ज्वेलरी स्टॉक नहीं है, तो ये कैपिटल गेन में जब आएगा, ये नॉन स्टॉक एसेट है और ये आपकी क्या है, स्टॉक है। तो स्टॉकिंग ट्रेड को जब बेचोगे, चाहे फिनिश गुड्स हो या जो भी है, इनकम कहां जाएगी, बिजनेस प्रोफेशन। और जब शाहरुख खान ज्वेलरी बेच रहा है बेटा, उसका स्टॉकिंग ट्रेड नहीं है। एक और एग्जांपल समझाने के लिए, देखिए आपको कैटेगराइजेशन बनाना भी आ गया,
डीएलएफ सेलिंग फ्लैट, सेलिंग रेंट कोई आ रहा है मुन्ना, सेल कर रहा है, रेंट कोई है बिल्डिंग का, गिव मी अ ट्राई, अमेजिंग बिजनेस प्रोफेशन, बीपी लिख देता हूं। एंड सचिन सर सेलिंग फ्लैट, या मेरे लो कैटरीना कैफ सेलिंग फ्लैट, अमेजिंग कैपिटल गेन। लॉजिक क्या है, डीएलएफ के लिए फ्लैट इज अ स्टॉक इन ट्रेड, बेचना काम है, और बेटा कैटरीना जी के लिए तो ये काम नहीं है ना, उनका तो एक्टिंग का काम है। क्लियर है बात? चलो नाइस, वेरी गुड, कीप इट अप। अब देखना जरा, रेंट ऑफ जनरेटर, आपने जनरेटर को किराए पे दिया है, समझ लीजिएगा मेरा जनरेटर था, आप आए मेरे पास, सचिन सर आपके पास वो जनरेटर, आप क्लास में कह रहे थे ना मेरे घर डीजे पार्टी है दो तीन घंटे के लिए दे दो, तो मैंने 2000 रुपए ले लिए आपसे, तो मेरा कोई बिजनेस नहीं है, नॉट बिजनेस। हाँ कैपिटल गेन सेल पे आता है, मैंने बेचा नहीं है बेटा, एचपी नहीं है, एचपी में रेंट आता है, तो ये कहां जाएगा, अदर सोर्सेस, वो होता है ना, अब इसको दवा की नहीं दुआ की जरूरत है, तो चार में नहीं आया वो कहां जाएगा, अदर सोर्सेस। अब सुन लो, जनरेटर रेंटिंग का काम ही है आपका, एक्टिविटी ऑफ जनरेटर रेंटिंग का ही काम है, वो शादी ब्याह में जो देते हैं, बड़े बड़े जनरेटर किराए पे देते हैं शादी ब्याह में, होते नहीं है तंबू के पीछे गुड़ 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 गुड़, वो जो पीछे लगे हुए होते हैं, तो वो कहां दिखाएगा अपनी इनकम को, बिजनेस प्रोफेशन। पूछो, क्लियर है बात? कॉलेज का लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, माय डियर फ्रेंड्स, कॉलेज का लेक्चरर, बिजनेस प्रोफेशन, या सैलरी है ये, कॉलेज का लेक्चरर इज अ मुलाजिम ऑफ द कॉलेज, नौकर नॉट मीन गमछा वाला, बट ही इज अंडर द डायरेक्शन ऑफ द कॉलेज, बट सचिन सर टीचिंग। तो गाइज मैं तो एम्प्लॉयमेंट में नहीं हूं ना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हूं, तो मैं कहां दिखाऊंगा, बिजनेस प्रोफेशन। अब बताना, बैंक्स गिविंग लोन्स और बैंक को इंटरेस्ट इनकम आ रही है, लेकिन सचिन सर ने तो बोला था इंटरेस्ट तो आता है अदर सोर्सेज में, उसका बिजनेस हो गया ना, तो जिस चीज का बिजनेस है वो बिजनेस ओवरराइड करता है अदर हेड्स को, बिजनेस क्या करता है बेटा, ओवरराइड करता है, बात समझो। तो अगर ब्याज आपको आ रहा है मुझे लो, अब ये तो हमने बिजनेस प्रोफेशन में दिखा दिया, सचिन सर गेटिंग इंटरेस्ट। गाइज मेरा ये कोई काम तो नहीं है ना, मुझे हो सकता है सेविंग का ब्याज आ रहा हो, एफडी का ब्याज आ रहा हो, आप लोगों ने मुझसे पैसे मांग लिए, सचिन सर देना 10,000 रुपए, मैं दूंगा नहीं, लेकिन आप मांग लिए, मैंने ब्याज ले लिया 1,000 रुपए आपसे, तो बेटा मैं कहां दिखाऊंगा उसको, अदर सोर्सेस। क्लियर हो गई अब बात? अब मुझे अब रिपीट करो, देखो सैलरी में कौन सी इनकम आएगी, व्हेन यू आर अंडर एम्प्लॉयमेंट, उसमें बोनस, कमीशन, अलाउंसेस, परकेजेट्स, प्रोविडेंट फंड, लीव सैलरी, सारी चीजें उसमें आती है। हाउस प्रॉपर्टी में कौन सी इनकम आती है, किराए की, वो जो मैं जलता हूं उस फ्रेंड से, मैं चार चार प्रॉपर्टियां उसके पास, महीने का किराया आ रहा है, तो बेच के नहीं आ रहा, रेंट पे। बिजनेस प्रोफेशन में सारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जब अपने मालिक बन के आप बिजनेस करो, प्रोफेशन करो, वोकेशन करो, एसेट्स बेच दो और बेचने का बिजनेस ना हो, एसेट्स बेच दो बेचने का बिजनेस ना हो, कैपिटल गेन्स, और जो चार में नहीं आया अदर सोर्स। लो जी कितना सरल काम है, 6 चैप्टर्स हो गए इस सिलेबस के, रेजिडेंशियल स्टेटस एक, और ये 5 हेड्स 5 चैप्टर्स, ये हमारा इनकम टैक्स का 50% सिलेबस है, 50% 25 से 30 नंबर का सिलेबस, ये 5 चैप्टर्स और रेजिडेंशियल स्टेटस, बाकी 50% अभी और बताता हूं। कितने स्टेप्स हो गए बेटा, आज पहली क्लास है, थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा ले लूंगा, मुझे पता भी आपका रगड़ो, जल्दी से छोड़ दो ना बेटा, लोहा जब तपता है ना तो लोहे को बहुत बुरा लगता है, लेकिन निखार जब आएगा दुनिया देखेगी, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना,
क्योंकि पहली क्लास है, ठीक है। चलो कितने स्टेप्स हो गए बच्चों? थ्री, फोर स्टेप लिखो। किसने बताया था मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूं मुन्ना? हु सेड ऑलरेडी आई हैव गिवन? हाँ बच्चे, बच्चियों नेम हर्ष, कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी क्योंकि वो आके ये बोलता है कि मैं दो दे चुका हूं। इट्स वेरी डिफिकल्ट, मतलब सबके सामने आना, ये नहीं कि कुछ गलत है, मैं ये नहीं कह रहा, बट द कॉन्फिडेंस, और जिसके पास कॉन्फिडेंस है ना गाइस, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपकी लाइफ सेट है। डिग्री प्लस नॉलेज प्लस कॉन्फिडेंस, ये धमाका कॉम्बिनेशन है जो तीनों मेरे पास है। डिग्री प्लस नॉलेज प्लस कॉन्फिडेंस, आज के बाद जिंदगी में, क्योंकि अगर, हां मैं बोलूंगा डिग्री की आवश्यकता नहीं है अगर अपने बिजनेस में जा रहे हो, लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट में जाना है और एम्प्लॉयमेंट में सक्सेसफुल होना है जॉब सेक्टर में, तो डिग्री चाहिए। तो डिग्री की आवश्यकता अपने बिजनेस में नहीं है, मुकेश अंबानी का कोई डिग्री नहीं है, समझो, और भी जितने बिजनेस मैन है, चाहे मुकेश अंबानी हो या कोई भी हो, डिग्री की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बेटा नॉलेज पक्का चाहिए, कॉन्फिडेंस पक्का चाहिए, याद रखना दोनों चीजें आपके पास हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। अगर मैं, सुनो प्लीज प्लीज बच्चे प्लीज समझो, कॉन्फिडेंस है खाली आपके पास और डिग्री नहीं है, नॉलेज नहीं है, फिर भी नहीं कर पाओगे कुछ का। तो यू नीड टू हैव अ डिग्री, यू नीड टू हैव अ नॉलेज एंड यू नीड टू हैव कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस से मैंने देखा है बड़े से बड़ी मुसीबतें भी दूर हो जाती हैं। आप डरो ही मत किसी चीज से, क्योंकि मुझे फ्रैंकली आई एम यू नो लिटिल बिट स्पिरिचुअल पर्सन ऑल्सो, आई एम नॉट रिलीजियस, आई डोंट यू नो आई फॉलो रिलीजन इन माई पर्सनल लाइफ, वी आर ऑल हिंदूज बट मैनी ऑफ अस, बट मैं उसको अपने अंदर फॉलो करता हूँ, बट मैं स्पिरिचुअलिज्म को ज्यादा हेल्प कर तवज्जो देता हूँ, क्योंकि थॉट्स ही हैं जो आदमी को आगे ले जाते हैं और थॉट्स ही हैं जो आदमी को गिराते हैं। तो इसलिए अगर आपकी थॉट प्रोसेस सही हो जाएगा तो सारा काम होता है। कर्म कर फल की इच्छा ना कर, मैं बोलूँ सोच फिर कर्म होंगे, क्योंकि सोचने के बाद ही कर्म होते हैं। तो कर्म इस जब आएंगे, काम भी जब करोगे, व्हेन योर मेंटल लेवल इज इन अलाइंड विद द फोर्सेस ऑफ नेचर, तो अपने आप आपको सारी कायनात हेल्प करेगी मेहनत करने के लिए। अगर आप ये सोच लो मुझे सीए बनना है, मुझे सीए बनना है, मुझे सीए बनना है, दिन रात, वो कौन थे हमारे अब्दुल कलाम साहब, ड्रीम्स आर नॉट दैट वी सी इन द स्लीप, ड्रीम्स आर दोज थिंग्स विच डोंट लेट अस स्लीप। अगर उस लेवल की आपकी शिद्दत हो गई, मार्क माई वर्ड्स, काम हो गया। तो कॉन्फिडेंस रखिए अपने साथ, डिग्री आ जाएगी, नॉलेज बढ़ाइए, जितनी नॉलेज एनहांस करते जाएंगे जितना कॉन्फिडेंस, क्योंकि कॉन्फिडेंस इज अपोजिट ऑफ फियर, कॉन्फिडेंस इज अपोजिट ऑफ फियर। अगर आपकी लाइफ में फियर बहुत है ना, डर बहुत है ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आपका बहुत कम है। दोनों एक ही इमोशन है, कैन यू इमेजिन दिस, कॉन्फिडेंस एंड फियर आर द सेम इमोशन बट एट द अपोजिट एंड। तो कॉन्फिडेंस कब बढ़ेगा? जब नॉलेज होगी और डिग्री होगी। चलिए सो गाइस स्टेप फोर बताइए जरा। हाँ जी हर्ष बेटा आप बताओ, व्हाट विल बी द स्टेप फोर? बिल्कुल सही, इन सब हेड्स की हमें इनकम निकालनी है, कंप्यूट इनकम ऑफ ईच हेड By applying relevant sections। इस चीज की मैं चर्चा नहीं करूंगा ज्यादा क्योंकि अभी आपने बेसिक्स नहीं किया है। अप्लाइंग सेक्शंस बता देता हूं मैं, सैलरी के हमारे सेक्शंस आएंगे 15 to 17, हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शंस आएंगे 22 to 27, गाइस बिजनेस प्रोफेशन के सेक्शंस आएंगे 28 से 44, कैपिटल गेन के सेक्शंस आएंगे 45 to 55A, एंड माई डियर फ्रेंड अदर सोर्सेज के सेक्शन आएंगे 56 to 59। अब मैं आपको बहुत अहम बात बताने वाला हूं, मैंने यहां पर वर्ड क्या लिखा है जरा रिपीट करेंगे, कंप्यूट इनकम। मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर दीजिएगा। गाइस मैंने किराए पे बिल्डिंग दी है और मुझे साल का किराया आता है 20 लाख रुपए, मेरी एचपी की इनकम कितनी है? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आई हैव लेट आउट अ बिल्डिंग on a rent of 20 lakhs yearly, what is my income? तो ये जो 20 लाख आया है, what is this? This rent जो आया है, ये revenue है, amazing, amazing, ये rent जो आया है,
दिस इज 20 लाख इज माई रेवेन्यू गाइस, इनकम टैक्स रेवेन्यू पे नहीं होता। गवर्नमेंट कहते गुप्ता जी आपने इसको कमाने के लिए खा खर्चे किए। मैंने कहा कोई नालायक टेनेंट को दे दिया था, सारे टूटियां निकाल के ले गया जब उसने प्रॉपर्टी खाली करी। बच्चे इतने उसके उद्दंत थे, दीवारों में गड्ढे कर दिए, पूरा रिपेयर मेंटेनेंस का 10 लाख का खर्चा आया। तो गवर्नमेंट कहती है जी हम आपको माइनस करने के लिए परमिशन देंगे, और ऊपर से एमसीडी वालों ने हाउस टैक्स भी लिया है मुझसे 2 लाख का। तो गवर्नमेंट कहती है आप खर्चे माइनस करेंगे। हाँ, खर्चे कितने माइनस करेंगे ये सेक्शंस में बताया हुआ है। हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शन कितने हैं? 22 से 27। उसमें लिख दिया, सुनिए मेरी बात, हाउस प्रॉपर्टी में जो टैक्सेस दोगे वो तो पूरे मिल जाएंगे, लेकिन खर्चे मिलेंगे 30%। खर्चे कितने मिलेंगे? 30%। गवर्नमेंट ने, निर्मला जी ने हाथ बांध दिए। तो गवर्नमेंट ने कहा 20 लाख का तुम्हारा अगर रेवेन्यू है उसमें आपको खर्चे 30% मिलेंगे, तो जो प्रोसेस है वो हम डिस्कस बाद में करेंगे। यानी कि इसको माइनस करने के बाद क्या आ जाएगी? इनकम। तो हर हेड के अंदर हमें करना क्या है? ग्रॉस लेना है, और ग्रॉस में से क्या माइनस करना है? एक्सपेंसेस। पांचों हेड की इनकम आ गई, अब क्या करेंगे हर्ष? लास्ट स्टेप बताओ। सेक्शंस तो हो गए बेटा, सेक्शंस की आज चर्चा नहीं। 56 to 59 स्टेप 5 बताओ बेटा। अमेजिंग। अब लिखिए मेक टू एडजस्टमेंट्स। एक एडजस्टमेंट हम करेंगे बच्चे सेट ऑफ की, एक एडजस्टमेंट हम करेंगे क्लबिंग की, और एक एडजस्टमेंट करेंगे सेट ऑफ की। क्लबिंग के एडजस्टमेंट होंगी 60 to 64, और सेट ऑफ की एडजस्टमेंट होंगी सेक्शन 70 to 80। क्लबिंग क्या है? तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तो इनकम है किसी और की, टैक्स आपको देना पड़ेगा। दूसरे की इनकम आपकी इनकम में जोड़ देंगे। सचिन सर क्या मतलब? एग्जांपल देखिए, मैं दुबई से आ रहा था और एक बच्चा, मान लीजिए ये भी आ रहा, वर्ष ने बच्चे नलिन, तो नलिन भी आ रहा था। नलिन है एक नंबर का गुंडा, लुच्चा लफंगा, और नलिन है स्मगलर, और मैं शरीफ आपको पता ही हूं कितना हूं। तो क्या हुआ, कस्टम्स ऑफिसर के साथ नलिन की साठ गांठ है, और सुनिए मेरी बात, और ये उसने देखा कि उस दिन कस्टम के ऑफिशियल्स ड्यूटी पे नहीं है, तो इसकी जो साठ गांठ है वो कुछ चुनिंदा अफसर के साथ है, हीरोइन चरस गांजा लेके आ रहा है। अब प्रॉब्लम ये आती है, अब ये उस दिन निकलेगा तो ये पकड़ा जाएगा। फटाफट इसने क्या किया, निकाला हीरोइन चरस गांजा, इसने देखा मैं भी बैठा हुआ हूं, और एरोप्लेन में ऊपर बैग रखे हुए होते हैं, उसमें डाल दिया। अब क्या हुआ, जब ग्रीन चैनल रेड चैनल से निकल रहे थे, ये तो निकल गया, मुझे पकड़ लिया कि कम गुप्ता जी प्लीज कम इन द साइड। क्या हो गया, वो जानते थे मुझे भी, वैसे नाम बहुत है मेरा, तो बोले कम इन द साइड, बोलते आपके बैग खोलिए, इसमें हीरोइन चरस गांजा एक्सरे मशीन में आ गया है। बोले मेरी नहीं है, बोले सारे लोग ऐसे ही कहते हैं मेरी नहीं है। मैंने कहा, ले गए मुझे मारने लगे, मैंने कहा ऐसा करो कैमरा देख लो, सीसीटीवी कैमरा। तो प्लेन के अंदर कैमरा था, पता लगवाया कि नलिन ने वो जेब अपने जेब से निकालते हुए सचिन सर के बैग में डाल दिया। फिर वो उन्होंने उसे सॉरी बोला, सॉरी सचिन सर, वी आर रियली सॉरी। अब नलिन को पकड़ के लिए आए। एग्जैक्टली सेम इनकम टैक्स में होता है, नलिन अपनी इनकम को मेरी बनाने की कोशिश करता है। अगर गवर्नमेंट ये प्रूफ कर दे कि नलिन की इनकम थी, सचिन सर की इनकम नहीं थी, तो वो सचिन सर से हटाकर नलिन के हाथ में वापस जोड़ दी जाती है। इसको कहते हैं क्लबिंग। क्लबिंग का मतलब होता है क्लब करना, ऐड करना, दूसरे की इनकम आपकी इनकम में क्या कर देते हैं? ऐड। और सेट ऑफ क्या चीज होती है सचिन सर? गाइस, गवर्नमेंट दुख की साथी भी है और सुख की साथी भी है। अगर आपको दिल्ली में बिजनेस किया, दिल्ली में आपने बिजनेस किया और आपकी इनकम आई 5 करोड़, वेरी गुड। यूपी में बिजनेस किया और आपको 2 करोड़ का घाटा हुआ, तो गवर्नमेंट निर्दर्द नहीं है, निर्दयी नहीं है। गवर्नमेंट ये नहीं कहती कि सचिन सर 5 करोड़ पे टैक्स दोगे आप, नहीं, आप अपने लॉसेस को पॉजिटिव इनकम से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो आपकी नेट इनकम कितनी रह गई गाइस? 3 करोड़ रुपीज। तो
तो आपको टैक्स जो देना पड़ेगा वो 3 करोड़ पे देना पड़ेगा। तो मार्क माई वर्ड्स गाइज, क्लबिंग से इनकम बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी, और सेट ऑफ से इनकम घटेगी। तो एक बेनिफिशियल, ये 2 चैप्टर्स और आएंगे हमारे सिलेबस में। तो फर्स्ट चैप्टर रेजिडेंशियल स्टेटस, जिसमें पता चलेगा रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट कौन है, 5 हेड्स, सेट ऑफ एंड क्लबिंग। सेट ऑफ में क्या होगा, एक इनकम दूसरी इनकम से जा सकती है या नहीं, और क्लबिंग क्या होगा कि आपकी इनकम्स को ऐड। अब बताओ हर्ष क्या करेंगे? नहीं ना ना, अरे वेरी बैड। अब हम क्या करेंगे, 5 हेड्स की इनकम को जोड़ेंगे और हमारा ग्रॉस टोटल इनकम आएगी। लिखिए, सम टोटल ऑफ 5 हेड्स इज नोन एज GTI। सम टोटल ऑफ 5 हेड्स इज नोन एज GTI। बच्चों हमें चाहिए क्या, टेल मी व्हाट डू वी वांट। पर्सन है हम, टोटल इनकम होनी चाहिए। टोटल इनकम आ गई या GTI आई है? अभी हमें ग्रॉस हटाना है तो क्या करें, आइए जरा लास्ट स्टेप, डिडक्शंस माइनस करिए। स्टेप 7, डिडक्ट डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C-280U। ये आपने सुना होगा, टीवी में एड्स आते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो टैक्स बच जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो टैक्स बच जाएगा, पीएम केयर्स फंड कोविड के टाइम पे बना था पीएम केयर्स फंड, उसमें मैंने भी दिए थे 10-15 हजार रुपए, वो पीएम केयर्स फंड में जो पैसा डालोगे वो आपको डिडक्शन के रूप में मिल जाएगा। मैं बता, पूछो पूछो पूछो, डिडक्ट डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C-280U। अब सुनिए, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड का नाम सुने, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। जब देश में आपदा आती है, कोई अर्थक्वेक आता है, सुनामी आती है, कोई फ्लड्स आते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में पैसा डाला जाता है। तो जो भी लोग पैसा डालते हैं डिडक्शन मिलती है। आपने किसी मंदिर में, जैसे अभी आपके प्राण प्रतिष्ठा हुई है राम जन्मभूमि ट्रस्ट को, अगर आप पैसा देंगे आपको डिडक्शन मिलेगी, और वो डिडक्शन होती है 80G सेक्शन के अंदर, 80G। तो 80C से लेकर 80U तक हमारे पास लगभग 10 से 15 सेक्शंस हैं जो हमारे सिलेबस में हैं, जहां पर हमें ये पढ़ना होता है कि आप कहां कहां पैसा डालोगे तो कहां कहां डिडक्शंस मिलेंगी। डिडक्शन से GTI बढ़ेगी या घटेगी, GTI बढ़ेगी या घटेगी, घटेगी। तो दीज आर टैक्स सेविंग टूल्स, दीज आर टैक्स सेविंग टूल्स। इसको माइनस करने के बाद जो हमारा रिमेनिंग अमाउंट आता है गाइस, वी कॉल इट टोटल इनकम। माई गॉड, दिस इज अवर टोटल इनकम। ये हमारे चैप्टर्स हो गए मेजरली। अब रिपीट करो, सबसे पहला चैप्टर जो पढ़ेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस, उससे पता क्या चलेगा, हु इज रेजिडेंट, हु इज नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट की ग्लोबल इनकम्स या देसी इनकम्स, ग्लोबल। नॉन रेजिडेंट की देसी इनकम्स, तेंदुलकर की देसी विदेशी, और कोई देसी विदेशी की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं इनकम्स की, और जो बाइडेन की, डोनाल्ड ट्रंप की देसी इनकम्स। अब आपको यह पता लग गया, आपका फ्रेंड यूएस में रहता है, वो यूएस में पैसा कमाता है, इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा। आपका फ्रेंड यूएस में रहता है, इंडिया से कमाता है, टैक्स लगेगा। आप इंडिया में रहते हो, अब कोई आपसे बोले कि भाई मेरी तो बाहर की इनकम भी है, मैं तो इंडिया में रहता हूं, बेटा मोदी जी नहीं छोड़ेंगे अब तुझे, निर्मला जी नहीं छोड़ेंगी। क्यों? आप रेजिडेंट है, और रेजिडेंट की कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है? ग्लोबल इनकम। उसके बाद आप देखिए, नौकरी करते हैं, सैलरी में दिखाइए, किराए की इनकम आती है हाउस प्रॉपर्टी, द गर्ल देयर, किराए की इनकम आती है हाउस प्रॉपर्टी में, कौन से हेड में जाएगी, द गर्ल इन मिडल, बैड छपे, किराए की इनकम आती है बिल्डिंग से, तो कौन सा हेड बनेगा, हेड कैटेगरी, किराए की इनकम आती है हाउस प्रॉपर्टी। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में तो कहां जाएगी, बिजनेस प्रोफेशन, एसेट बेचा, बेचने का काम नहीं है, कहां पर, कैपिटल गेन, और जो चार में नहीं आया तो अदर सोर्सेस। पांचों हेड में डालने के पीछे इनकम निकालनी है, पांचों हेड के खर्चे अलग अलग होंगे, हाउस प्रॉपर्टी के खर्चे अलग, बिजनेस के खर्चे अलग। तो इनकम टैक्स रेवेन्यू पे है या इनकम टैक्स इनकम पे है? तो रेवेन्यू और इनकम में डिफरेंस क्या हुआ, जल्दी बोलो। अमेजिंग, मैकडोनल्ड्स वालों ने बर्गर बेचा, टोटल बर्गर्स बेचे 1 करोड़ के, वो तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होंगे, उनके खर्चे आए, कॉस्ट ऑब्लिक एक्सपेंसेस, सुन लो, 80 लाख के, उनकी इनकम कितनी हुई, इस पे इनकम टैक्स लगेगा।
और ये इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, खुद देना पड़ेगा। जीएसटी भी लगाते हैं मैकडोनल्ड्स वाले, वो लगाएंगे 1 करोड़ पे जीएसटी। अब समझना, जीएसटी कंसिडरेशन पे लगता है, रेवेन्यू पे लगता है, रिसिप्ट पे लगता है, सेल्स पे लगता है, टर्नओवर पे लगता है, फीस पे लगता है। इनकम टैक्स आपकी सेल्स टर्नओवर फीस में से जो खर्चे हो गए सेक्शन के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, सेक्शन के हिसाब से वो माइनस होते हैं और रिमेनिंग अमाउंट में इनकम टैक्स देता हूं। तो एक जतिन त्यागी क्लासेस इनकम टैक्स भी देते हैं, जतिन त्यागी क्लासेस जीएसटी भी देते हैं। सर कैसे? मेरे प्यारे बच्चों से जब फीस आती है उस पर हम जीएसटी लगा देते हैं और उससे से निकाल कर गवर्नमेंट को जमा करवा देते हैं। हमारे पर बर्डन पड़ता है, क्लेरिकल बर्डन जीएसटी का, फाइनेंशियल बर्डन नहीं है जीएसटी का। क्यों? आप लोगों को फीस आई उसमें जीएसटी होता है, हम निकाल के निर्मला जी को दे देते हैं। बात समझ रहे हो? उसमें सेंटर को देते हैं, स्टेट को देते हैं, वो बातों में मैं नहीं आ रहा। अब मान लीजिए हमने फीस ली 1 करोड़, 1 करोड़ पे 18% जीएसटी था, तो हमारे पास 1 करोड़ 18 लाख की फीस आई, 18 लाख तो बाहर की बार हमने निर्मला जी को दे दिया। अब हमारे पास रहेगा 1 करोड़, उस 1 करोड़ में हमारे बेटा बिजली के, पानी के, हमारे रिसेप्शन में जो मैडम है, हमारे ऑफिस वाले भैया, हमारे फैकल्टीज की पेमेंट्स, वो सारी माइनस होती है। उसके बाद हमारे पास इतनी इनकम रह जाती है। देखो फीस तो इतनी सारी होती है, इनकम ये हमारी 10 ईयर की बुक है जिसके अंदर सारे हमारे MCQs, RTPs हमने अलग है। तो एक आपके पास हमारी GST की बुक आएगी, एक आपके पास हमारी इनकम टैक्स की बुक आएगी और एक आपके पास हमारी ये MCQ बुकलेट आएगी जिसके अंदर सारे क्वेश्चंस होंगे। तो अब ये भी घूम गया। हां जी, तो अब जो हमारी इनकम आएगी इसमें से निकाल के हमें क्या देना पड़ेगा? इनकम टैक्स। अब आप समझो, जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है? इनडायरेक्ट। इट इज रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर, whereas income tax is a direct tax paid by the assessee himself. Clear hai baat? Income tax is on nichod, juice, profit, gain, whereas GST is on revenue. Ab suno meri baat, 1 crore ka revenue aaya, GST lag gaya hoga? Yes sir. Bachcho, is baar humne daba kar add kiya aur hamare total kharche bhi 1 crore ke ho gaye. Hame is baar koi profit hua hi nahi batch se, to hame income tax nahi dena. तो इनकम टैक्स लॉसेस में नहीं है, ब्रेक इवन पे नहीं है, प्रॉफिट्स पे है, और वो प्रॉफिट्स भी जब एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर चले जाएं। अभी बताने वाला लास्ट टॉपिक वही है, बस अब समापन पे आ गए हैं। लेकिन जीएसटी, हमने फीस 1 करोड़ की ली, आप लॉस में आपने फीस ली है, सर आपको बचेगा नहीं बचेगा मतलब ही नहीं है। तो जीएसटी इज लेविड ऑन द कंसिडरेशन, वेयर एज इनकम टैक्स इज लेविड ऑन द प्रॉफिट्स। मोटा-मोटा समझ गए? तो एक बंदा दोनों चीजें देता है, एक अपनी जेब से निकाल के देता है, वो था इनकम टैक्स, और क्लाइंट कस्टमर से देता है, परचेजर से देता है, रेसिपिएंट से देता है, वो होता है जीएसटी। ये दो टैक्सेस 50-50 मार्क्स के हैं, ठीक है? चलो अब एक बार फाइनल स्टेजेस पे आते हैं। बेटा टोटल इनकम जब आ गई ना, एक स्टेप और है, हर्ष बताओ। नहीं अभी भी नहीं, जो भी एग्जैक्ट है मैं बताता हूं, राउंड ऑफ करेंगे बेटा। स्टेप 9 में हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ टोटल इनकम अंडर सेक्शन 288A। राउंड ऑफ करने का तरीका देखो बेटा, बड़ा अच्छा है। आपने सचिन सर टोटल इनकम निकाली? हां जी निकाली, 5,55,555 रुपए 55 पैसे। गवर्नमेंट कहती ये क्या कर दिया कबाड़ा, ये क्या है, वॉशिंग पाउडर है क्या, ये क्या इनकम निकाली है तुमने, गुलाई में लाओ। कहां लाओ? गुलाई में। गवर्नमेंट कहती है पैसे को इग्नोर कर दो। क्या कर दे? पैसे को इग्नोर, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 10 पे राउंड ऑफ करो, मल्टीपल ऑफ 10। तो गाइस 15, 16, 17, 18, 19 बन जाएगा 20, 14, 13, 12, 11 बन जाएगा 10, 85, 86, 87, 88, 89 बन जाएगा 90, 84, 83, 82, 81 बन जाएगा 80। तो आपको राउंड ऑफ करके बताओ, 5,55,560 रुपए, ये टोटल इनकम है। तो राउंडिंग ऑफ हेड्स का नहीं करना, क्लबिंग का नहीं करना, लास्ट स्टेप का दोबारा रिपीट करता हूं, ये है HTO। HTO करते थे ना, वंस, टेंस, हंड्रेड, टेंस के मल्टीपल पर राउंड ऑफ करते। क्लियर है बात? एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं, करके देना राउंडिंग ऑफ का तरीका।
4,44,444 rupees 44 paise 4,44,444 अमेजिंग। अब कुछ नालायक बच्चे हैं जो गलत आंसर देंगे, इसका हमेशा देते ही हैं, पेट है मेरे पास सारे क्वेश्चंस, इसका आंसर देना 7,99,995 rupees 95 paise चलो नाइस फंसे नहीं आप, नहीं तो कई बच्चे होते 799,990 बेटा वो 995 तो पूरा ही बदल देगा ना। तो मेरे प्यारे बच्चों 8,00,000 rupees क्लियर है बात। अब आपका फर्स्ट पी पढ़ो जरा, कितना डीप में जाना पड़ता है ये देखो, 2 घंटे में लगा के एक पिलर होता है, जरा देखो फर्स्ट पी पढ़ो, दोबारा से पढ़ो। एनी पर्सन हुज टोटल इनकम एक्सीड्स एग्जेम्पशन लिमिट, पर्सन बोले तो बीड़ू 2 clause 31, बीड़ू कितने लोग, 7, 7 में अभी अपन लोग किसकी चर्चा कर रहे थे, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल बोले तो ह्यूमन बीइंग, काला गोरा हरा दाढ़ी वाला बिना दाढ़ी वाला, शादी ना शादी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है, भाई 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 वाली बात। टोटल इनकम निकालने के कितने स्टेप्स, 9, एक स्टेप भी भूल गए खत्म, 6 महीना आगे दिखाई देगा। रिपीट द 9 स्टेप्स, रेजिडेंशियल स्टेटस, एक एक शब्द में समरीज बनानी है आपको हर क्लास की, आज जो क्लास में हुआ समरी बनाइएगा, फर्स्ट समरी में क्या लिखेंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस, हेड्स ऑफ इनकम, इनकम ऑफ हेड्स, सेट ऑफ क्लबिंग, GTI, डिडक्शंस, TI, राउंड ऑफ, बिल्कुल लकीर के फकीर बन जाना। अगर आपको सफलता मानी है CA के सिलेबस में, टीचर की बात को पकड़ लो, टीचर को नहीं, टीचर की बात को, और आगे बढ़ जाओ बस, ठीक है। आइए अब हमारा लास्ट पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, एग्जेम्पशन लिमिट बता दूं सो दैट हमारा फर्स्ट पिलर कंप्लीट हो जाए। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा एग्जेम्पशन लिमिट, बहुत कंफ्यूजन हो गई है जी एग्जेम्पशन लिमिट में, पहले बड़ा सिंपल सिस्टम था, लास्ट के 2 सालों में ओल्ड सिस्टम अलग हो गया टैक्स का, सुना है आपने ओल्ड सिस्टम न्यू सिस्टम, टैक्स के इतने सिस्टम हो गए हैं कि अच्छा है हमारे लिए, टैक्स प्रोफेशनल्स ले वी लव इट, लोग कंफ्यूज ही रहते हैं, फिर हमारे पास आते हैं, हम मुंह मांगी फीस लेते हैं, तो हमारे लिए अच्छी बात है। तो आई लव निर्मला जी एज अ फाइनेंस मिनिस्टर। गाइस इसमें 2 सिस्टम है, एक है न्यू टैक्सेशन सिस्टम, न्यू टैक्सेशन सिस्टम, और मेरे प्यारे बच्चों ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम। जैसे आपके पास भी 2 चॉइस होंगी, सचिन सर से टैक्स ले, नहीं तो कोई चड्डा चोपड़ा और कहीं से टैक्स ले, है ना। तो न्यू टैक्सेशन सिस्टम कवर्ड है अंडर सेक्शन 115 BAC। जैसे यार इसको मैं बताएं इजी करता, शॉर्टकट तरीका लो, आपका ऐसे याद हो जाएगा शॉर्टकट। मैं आपको ना क्लास में ऐसे तकल्लुफ दूंगा चीजों के जिससे आपको ना सारा टैक्स याद होना स्टार्ट हो जाएगा। आज मैंने आपको फर्स्ट भी बताया ना, जिंदगी भर भूलने वाले नहीं आप, क्योंकि बच्चों के फोन आते हैं फाइनल देने के बाद, CA बनने के बाद ही, वो ये कहते हैं कि सर हम तो, हमें तो सब चीजें याद है, हम तो कुछ भूले ही नहीं, आपके रामलाल के एग्जाम्पल्स हम भूलते ही नहीं है। मतलब ये मैं मतलब अपनी पढ़ाई तो नहीं करूंगा, बच्चों का ही प्यार है इसमें भी, शॉर्टकट और है दूसरा लॉन्ग कट। तो आप टैक्स के रास्ते में शॉर्टकट रास्ते में भी चल सकते हैं और टैक्स के रास्ते में आप लॉन्ग कट में भी चल सकते हैं। ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम कौन है, जो नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 115 BAC। ये बेटा डीप में तो अभी बता नहीं सकता क्योंकि अभी तो आप न्यू कमर्स हो, लेकिन मोटा मोटा समझ लो एग्जेम्पशन लिमिट में। मैं बोलूं आप न्यू सिस्टम में हो या ओल्ड सिस्टम में हो, न्यू सिस्टम वालों के लिए एग्जेम्पशन लिमिट है बेटा 3,00,000 रुपए की, 3,00,000 रुपए की एग्जेम्पशन लिमिट है न्यू सिस्टम्स वालों के लिए। तो जो भी लोग 115 BAC में है ऐसा याद कर लो, न्यू सिस्टम में है, शॉर्टकट सिस्टम में है, काले गोरे हरे पीले नीले महिला पुरुष शादीशुदा बाल वाला गंजा पियक्कड़ कुछ भी हो 3,00,000 ऑल इंडिविजुअल्स। लेकिन बेटा जो ओल्ड सिस्टम में है उसमें 3 एग्जेम्पशन लिमिट्स हैं, एक है वेरी सीनियर सिटीजन, एक है सीनियर सिटीजन, एक है अदर इंडिविजुअल। लिखिए वेरी सीनियर सिटीजन का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों 80 साल प्लस रहने वाला इंडिया में, इसका एग्जाम्पल है बड़ा प्यारा सा, बताओ 80 साल और जो इंडिया में रहता है, कौन बनेगा करोड़पति में आपका स्वागत है, अमिताभ बच्चन साहब, ये इसी कैटेगरी में आएंगे। भाइयों और उनकी बहनों मोदी जी, तो जो मिनिमम 60 इयर्स के हैं
लेस देन 80 ईयर्स हैं और इंडिया में रहते हैं। इनके ये एग्जांपल हो गया हमारे मोदी जी का। और अदर इंडिविजुअल कौन से बच्चे जो वन में भी कवर नहीं है, सीनियर सिटीजन नहीं है, वेरी सीनियर सिटीजन नहीं है, अदर कौन आ गए इसमें? तुम्हारी कैटरीना भाभी, ठीक है, विक्की भैया। अब बताओ लिमिट्स, बताओ वेरी सीनियर सिटीजन की लिमिट बताओ, 5 लाख रुपए। सीनियर सिटीजन की लिमिट बताओ, 3 लाख रुपए। और मेरा क्या होगा कालिया? 2.5 लाख रुपए। लो जी, आधे टैक्स प्रोफेशनल बन गए आप। योर हाफ टैक्स प्रोफेशनल यू हैव बिकम। नाउ रिपीट करेंगे, 115 बीएससी में जो है शॉर्टकट में है, 115 बीएससी में है, शॉर्टकट में है, न्यू सिस्टम में है, वहां पर एज कोई क्राइटेरिया नहीं है, रेजिडेंशियल स्टेटस कोई क्राइटेरिया नहीं है। कितनी की लिमिट लगाओगे? 3। मोदी जी पर भी, अमिताभ जी पर भी, सचिन सर पे भी, और आपकी कैटरीना भाभी पर भी, जो बाइडेन पर भी, ट्रंप पर भी, सबकी 3, सब 1-3 पे हैं। लेकिन अगर आप 115 बीएससी में नहीं है, ओल्ड सिस्टम में है, आप लॉन्ग कट सिस्टम में है, तो 3 लिमिट्स मिलेंगी। पहली लिमिट 5 लाख की मोदी जी के लिए, नहीं अमिताभ जी के, अभी मोदी जी 80 के नहीं हुए, एमएमएस के लिए। क्या कह रहे हो? मनमोहन सिंह जी बेटा, मनमोहन सिंह जी 80 साल के हैं, उनके लिए अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी सब 80 के हैं। तुम्हारे दादा दादी भी हो सकते हैं, किसी के हैं दादा दादी 80 प्लस अभी पहुंच, उन सब पे 5 लाख। आपके 60 साल और 80 साल से कम वालों के लिए 3 लाख। और अगर दोनों में नहीं आए तो कहां पर जाएंगे? अदर। कितनी लिमिट? 2.5। आइए जी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, करके दीजिएगा, बताइएगा कितनी लिमिट लगेगी। बेटा शाहरुख खान, टोटल इनकम शाहरुख खान कह रहा है मेरी 3 लाख है। शाहरुख खान जी रेजिडेंट है और 115 बीएससी में है। बताइए दोस्तों, क्या उनकी टोटल, एक तो एग्जेम्पशन लिमिट बताइए मुझे, और बताइए क्या उनकी टोटल इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर है? आराम आराम से देखते हैं, सारे बच्चे करेंगे, मैं सबसे पूछने आऊंगा। बताओ शाहरुख खान टोटल इनकम 3 लाख, वो तो पूरे 9 स्टेप्स करके निकाली गई होगी। रेजिडेंट है, रेजिडेंशियल स्टेटस है, रेजिडेंट पता चला होगा, और 115 बीएससी शॉर्टकट में है। पहले हम ये लगाएंगे कि शॉर्टकट वालों पे तो 3 लाख की लिमिट है, तो 3 लाख की लिमिट है। और फिर सचिन सर ने बोला फर्स्ट पिलर में टोटल इनकम शुड बी मोर देन 3 लाख, इट इज एग्जैक्ट 3, इट शुड बी ग्रेटर देन 10 रुपए भी ज्यादा हो, लेकिन ज्यादा नहीं है। तो फिर टोटल इनकम ग्रेटर एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है, तो टैक्स देने की आवश्यकता नहीं। बन गए आदेश ही है। आपको यह पता लग गया आज 2 घंटे में कि टैक्स देना या नहीं देना और इनकम कैसे निकालनी है। सोचो आगे आगे 60-70-80 क्लासेस हो जाएंगी, जब तक तुम फाड़ दोगे लिटरली टैक्स को, क्या हालत होगी तुम्हारी? देखो तुमसे लोग एडवाइस देने आ जाएंगे बिना इंटर क्लियर करे, भाई अरे भैया तुम सचिन सर से पढ़े हो ना, टैक्स निकालना सिखाना जरा, कैसे करते हैं देखो जरा। इसके रॉयल्टी नहीं लूंगा मैं आप लोगों से, खाली फीस ही लेंगे हम, रॉयल्टी नहीं लेंगे। सेकेंड पॉइंट देखना बेटा, एज्यूम करो शाहरुख जी नॉन रेजिडेंट है, सेम क्वेश्चन, शाहरुख जी नॉन रेजिडेंट है, सेम चीज। अब वो इनकम इंडिया वाली है ऑब्वियसली, लिमिट कितनी? बेटा जो 115 बीएससी में है, रेजिडेंट हो नॉन रेजिडेंट हो, महिला हो पुरुष हो गंजा हो, सब पे क्या लगेगा? 3 लाख। जो भी 115 बीएससी में है बच्चे, जो भी 115 बीएससी में, कितना लगेगा? 3 लाख। 3 लाख फिर नहीं। अच्छा अगर एज्यूम करो शाहरुख भाई 115 बीएससी में नहीं है, बाकी सारे फैक्ट सेम, 115 बीएससी नहीं है, तो लॉन्ग कट में आ गए, ओल्ड सिस्टम में आ गए, और मुन्ना कितनी एग्जेम्पशन लिमिट? 2.5 लाख की। नाउ पकड़म पकड़ाई हो गई इनके साथ अब। हाँ क्यों? इनकम 3 लाख, 2.5 लाख से ऊपर
इज ही लायबल टू पे टैक्स? यस. वो अरे यार आज सारा आज ही पढ़ा दू, फिर तो फीस भी नहीं दोगे, फिर तो बड़ा सारा ही पढ़ लिया. बोलो जी क्लियर है बात? चलो कॉपी कर रहे हो उसको? नहीं कर रहे, नहीं कर रहे. चलो एक क्वेश्चन और करवाऊंगा. अब लेते हैं लेडी गागा. सुना हुआ है नाम लेडी गागा? एज क्या है? 35. बड़ा वियर्ड सा ड्रेसिंग सेंस है. 67. वन ऑफ द रिचेस्ट पॉप स्टार ऑफ द वर्ल्ड है वो. अब गूगल पे सर्च करके देखना. चलो 65 मान लेते हैं. तो बहन ओल्ड हो गई है. 65 ईयर्स, नॉन रेजिडेंट, टोटल इनकम 3 लाख, और मुन्ना 115 बीएससी में है. बताओ लिमिट कितनी लगेगी? 3 लाख. क्या उनकी टोटल इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर है? नो. इसी लायबल टू पे टैक्स? नो. लेकिन मान लो शी इज रेजिडेंट और 115 बीएससी में नहीं है. अब बताइए लिमिट कितनी लगेगी? तो बेटा अभी भी 3 लाख की लिमिट लगेगी, क्योंकि रेजिडेंट है और 115 बीएससी में नहीं है, तो वो मोदी जी वाली कैटेगरी में आ गई. और 3 लाख अगेन शी इज लायबल टू पे टैक्स? नो. अच्छा एज्यूम करिए, अब देखना रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है, थोड़ा सा ध्यान देना है बस, थोड़ा सा ध्यान. नॉन रेजिडेंट है और 115 बीएससी में नहीं है, बस बताइए. शी इज नॉन रेजिडेंट. आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम एवरी वन. पूछूंगा मैं, नॉन रेजिडेंट है, 115 बीएससी में नहीं है. द गर्ल देयर इन वाइट, बीच में 3 लाख. फॉर्मूला को देखो फिर आंसर दो. जस्ट लुक एट द चार्ट. सारे आंसर्स थ्योरी के आपको मेरे नोट्स को देखकर देने हैं. पहले तो देखो ये शॉर्टकट में लॉन्ग कट में, पहले तो ये सारे बच्चे बोले शॉर्टकट है लॉन्ग कट है? लॉन्ग कट. लॉन्ग कट में 80 साल की है? नो. 60 साल की है? यस. लेकिन साथ में सचिन सर ने प्लस करवा के रेजिडेंट लिखवाया हुआ है. रेजिडेंट होना चाहिए मोदी जी के लिए 60 प्लस रेजिडेंट. लेकिन ये नॉन रेजिडेंट बोला है मैंने. तो लिमिट कितनी लग जाएगी? 2.5 लाख. अमेजिंग. नाउ इज शी लायबल टू पे टैक्स? यस. हो गया खत्म टॉर्चर आपका. अब हम देखिए 2 घंटे का काम 2 मिनट में कैसे रिवाइज करें. घर जाके क्या करना है आपको? हर मेरी क्लासेस की समरीज बनानी है. मैं आपको क्या बोल रहा हूं, एक रिम ले आना. रिम इज अ 500 पेज A4 साइज की, क्या कहते हैं उसको, नोटबुक नहीं बच्चे, सिंगल पेज, जो फोटोस्टेट वाले पेजेस होते हैं ना, वो A4 साइज की मिलेंगे. सुनो हर सब्जेक्ट में वो रिम काम आएगा, एक ही रिम, क्योंकि आपकी 500 ज्यादा क्लासेस तो नहीं होंगी. सारे सब्जेक्ट्स ही मिला भी लो, 6 के 6 सब्जेक्ट भी ले रहे हो, 500 ज्यादा क्लास तो हो नहीं सकती. हर क्लास का निचोड़, टैक्स का, ऑडिट का, लॉ का, अकाउंट्स का निचोड़ एक पेज पे लिख दो. तो टैक्स की मान लो 80 क्लासेस हुई 3-3 घंटे की, 280 घंटे की हुई, 290 जो भी हुई, वो आपके पास 80 पेजेस होंगे. बाद में उसको स्पाइरल करवा लो. ये सारा टैक्स है, ये सारा ऐसे 80 पेजेस लॉ है, ये 80 पेजेस आपका क्या है. अब देखो प्रॉब्लम क्या है, 3-3 बुक्स तो टैक्स की ही है. सुनो 4 रजिस्टर मैं भरवा दूंगा, आपके वो वॉल्यूम इतना होगा आप झुक जाओगे यूं प्रेशर में, इतना वॉल्यूम हो जाएगा. और चक्के का बुद्धि में रहता थोड़ा सा है, भगवान ने इतनी 2 पैसे की बुद्धि दी है. अब प्रॉब्लम है समरी बनाओगे ना, तो आपके वो 70-80 पेजेस होंगे जो आपका काम बना जाएंगे. ये ट्रिक हमें अपने गुरुओं ने दी थी उस वक्त जो हम लेते थे जो भी क्लासेस, आपको भी वो ही दे रहा हूं. तो आप समरी बनाइए हर चीज की. जैसे आज के पॉइंट्स हमने क्या क्या सीखे, आज हमने सीखा फर्स्ट प्रिंसिपल, हु इज लायबल टू पे टैक्स, पर्सन, और उसमें शॉर्ट में लिखेंगे समरी में, पर्सन प्लस TI ग्रेटर एग्जाम, पूरा नहीं लिखेंगे समरी में, कीवर्ड्स पर्सन
plus TI greater than EL. That's it. Person 2 clause 31, 7 categories individual. Individual mein all. मत लिखना आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्यों लिख रहे हो भाई. अब टोटल इनकम निकालने के सचिन सर 9 स्टेप्स रिपीट करो. 9 स्टेप्स. पहला रेजिडेंशियल स्टेटस, दूसरा सोर्सेज ऑफ इनकम, तीसरा उनकी निचोड़ निकालना है सैलरी का निचोड़, हाउस प्रॉपर्टी का निचोड़, फोर्थ कंप्यूटेशन, पांचवा एडजस्टमेंट्स, छठा जीटीआई, सातवा डिडक्शंस, आठवा टीआई, नौवा राउंड ऑफ. चैप्टर्स हो गए हमारे, एक रेजिडेंशियल, पांच हेड्स, क्लबिंग, सेट ऑफ डिडक्शन. ये 90% ऑफ सिलेबस है, 80% ऑफ सिलेबस है. ये पांच हेड्स रेजिडेंशियल से 50% है अप्रोक्स. इनकम टैक्स का 80% सिलेबस ये चैप्टर्स हैं, बाकी छोटे मोटे और थियोरिटिकल चैप्टर्स. एग्जेम्पशन लिमिट कैसे याद करनी है, आप 115 सिस्टम, बीएससी सिस्टम में हो, न्यू सिस्टम में हो, शॉर्टकट सिस्टम में हो, 3 लाख की लिमिट है. अमित के ऊपर भी, अमित जी पर भी, मोदी जी पर भी, बाहर वालों पर भी, देसी वालों पर 3 लाख की लिमिट. लेकिन आप इस सिस्टम में नहीं हो तो आपके ऊपर 3 ऑप्शंस आएंगी, 5 लाख की लिमिट, 3 लाख की लिमिट, 2.5 लाख की लिमिट. 5 लाख की लिमिट लगेगी 80 ईयर्स एंड मोर, 3 लाख की लिमिट लगेगी 60 ईयर्स एंड मोर. दोनों ही जगह ज्यादा बुजुर्ग कम बुजुर्ग रेजिडेंट होना चाहिए, और जो दो में नहीं आए वो तीसरे में आएंगे 2.5 लाख की लिमिट. दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, रियली इट वॉज वेरी इंजॉयबल टीचिंग यू ऑल. सो विशिंग यू ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं जल्दी आप लोगों से. आप होप सबका आज पॉजिटिव रिजल्ट आए, सारे के सारे बच्चे मुझे यहाँ पर बैठे हुए मिले, यही मेरी दिल से तमन्ना है आप लोगों के लिए. टेक केयर, ऑल दी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू.